गाइस, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मेरा नाम है अर्पिता और मेरा नाम है निशिल। आज हम लेकर आए हैं इतना सुपर इम्पोर्टेंट सेशन फॉर योर प्रिपरेशन, क्योंकि आज कराने वाले हैं कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन जस्ट वन क्लास। ये हरक्यूलियन टास्क लेकर आई है आपके सामने मानसी मैम, एंड दिस सेशन इज गोइंग टू बी द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशंस फॉर योर प्रिपरेशन। लास्ट मिनट प्रिपरेशन में सिर्फ 3 घंटे के अंदर, 4 घंटे के अंदर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कवर करना बहुत बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन इक्वली इंपॉर्टेंट भी है। कॉन्स्टिट्यूशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये 30-40% वेटेज रखता है पूरे क्लैट पीजी के पेपर में। सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, सभी मेंटर्स, फैकल्टीज, हर इंसान तुम्हें इस समय यही कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लो बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लो बेटा। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाने के लिए लेकर आए हैं हम मानसी मैम को। और मानसी मैम से ही क्यों पढ़ो? बिकॉज मानसी मैम ने ये एग्जाम खुद ये दिया है और वो बैंगलोर गई हैं। आपको पता है कि इस एग्जाम का, इस मैराथन की इम्पोर्टेंस मानसी मैम से ज्यादा और कौन बता सकता है आपको। वो आपके लिए पूरे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बहुत ब्रीफ में आपको बताएंगी, फटाफट पूरा कोर्स कवर का हो जाएगा। तो प्लीज स्टे ट्यून, हम मानसी मैम को बुलाते हैं एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वो स्टार्ट कर देंगे। ये सेशन एंड तक देखना बहुत जरूरी है। जो स्टूडेंट इस सेशन को एंड तक देखेगा, ट्रस्ट मी, उसका क्लैट का स्कोर बहुत ज्यादा हाई होगा फ्रॉम अदर्स। तो इसीलिए इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट यू स्टे ट्यून्ड टिल द एंड, एंड अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, अभी अभी तुरंत फटाफट इस वीडियो को लाइक करो। ऑल ऑल राइट, ब्रिंगिंग मानसी मैम हियर। हाय गाइस, कैसे हैं सब लोग और कैसी चल रही है सबकी तैयारी? आई होप सबकी तैयारी बढ़िया चल रही हो। अर्पिता मैम और निशिल मैम ने आप सबको बता ही दिया है कि क्या इम्पोर्टेंस है आज के लेक्चर की। साथ में मैं अभी बता देती हूँ, क्लैट पीजी के साथ जो बैंकिंग लॉ ऑफिसर्स का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलो अब हम शुरू करते हैं। तो पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1949 में आया आपका। हम स्टार्ट करेंगे सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से कि कहाँ कहाँ से बोरो किए। हमारे यहाँ बोला जाता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोला जाता है कि ये एक बैग ऑफ बोरोइंग है। बैग ऑफ बोरोइंग है, कहाँ कहाँ से हमने कौन कौन से प्रोविजंस बोरो किए हैं। ठीक है, हमने बहुत सारी कंट्रीज से काफी सारे प्रोविजंस बोरो किए हैं, बट हम सारों पर ध्यान नहीं देंगे। ऑल्दो आई हैव एनलिस्टेड मोस्ट ऑफ दोस, पर हम सिर्फ इंपॉर्टेंट वालों पर ध्यान देंगे। तो पहले ऑस्ट्रेलिया से हमने ली कॉन्करेंट लिस्ट और साथ में फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स वगैरह, और जॉइंट सिटिंग का जो प्रिंसिपल है वो ऑस्ट्रेलिया से आया। कनाडा से हमने लिया फेडरेशन विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, और उसके बाद हमने रेसिड्यूरी पावर्स भी कनाडा से ली। फिर आयरलैंड से, जो बेसिकली सब जगह पूछते हैं, आयरलैंड से हमने लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP। जापान से लिया है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, जो आपका आर्टिकल 21 में स्टेटेड है। उसके बाद रशिया से हमने ली है फंडामेंटल ड्यूटीज। यूके, ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है? ब्रिटेन से हमने बहुत कुछ लिया है, हमारा पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का सिस्टम, आर्टिकल 14 के अंदर जो रूल ऑफ लॉ है वो हमने ब्रिटेन से लिया है, ये डाइसी ने दिया था। ठीक है, फिर लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, बायकैमरलिज्म, ये सब हमने ब्रिटेन से लिया है, मतलब यूके से लिया है। फिर यूएस से हमने ली है फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। फिर जर्मनी, जो कि फेमस है अपने एमरजेंसी और वॉर लाइक कंडीशन से, वहीं से हमने अडॉप्ट किए हैं हमारे एमरजेंसी प्रोविजंस, और सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एमरजेंसी वो भी जर्मनी से लिया है। फिर साउथ अफ्रीका से हमने लिया है अमेंडमेंट का प्रोविजन, और जो हमारे प्रियम्बल में लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का आइडिया है और जो रिपब्लिक का आइडिया है वो हमने लिया है फ्रांस से। इसके बाद अब हम देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स हैं। ठीक है, आर्टिकल्स कितने हैं कोई बताएगा मुझे चैट बॉक्स में? कितने आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल, बताइए मुझे कि कितने आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स हैं, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का शॉर्ट टाइटल कहाँ दिया है? आर्टिकल 393 में शॉर्ट टाइटल दिया है।
बाकी सभी एक्ट्स का जो शॉर्ट टाइटल होता है राइट्स आर 395 आर्टिकल्स हैं, बाकी सारे कॉन्स्टिट्यूशन सारे एक्ट्स का जो शॉर्ट टाइटल होता है वो यूजुअली सेक्शन 1 होता है, पर कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा आर्टिकल 399 शॉर्ट टाइटल है जो बोलता है दिस मे बी कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसकी डेट ऑफ कमेंसमेंट हमारी आर्टिकल 394 में दी हुई है, विच विल बी 26th day of January 1950, और इसका डेट ऑफ इनफोर्स डेट ऑफ इनैक्टमेंट कहाँ दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन का डेट ऑफ इनैक्टमेंट कहाँ दिया है, चैट बॉक्स में बताओ जल्दी। डेट ऑफ इनफोर्समेंट आर्टिकल 394 में दी है, डेट ऑफ इनैक्टमेंट कहाँ दिया है? ठीक है, डेट ऑफ इनैक्टमेंट हमारा दिया है प्रियम्बल में, दिया है हमारा डेट ऑफ इनैक्टमेंट ये दिया है 26th day of November 1949। प्रियम्बल में क्या याद करना जरूरी है, प्रियम्बल में हमें ये देखना जरूरी है कि ये जो हमारा है ना सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये जो सीक्वेंस है इससे क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ इट इज रिटन हाउ इट इज स्टेटेड। सो फर्स्ट सोवरेन लिखा है, फिर सोशलिस्ट, फिर सेक्युलर, फिर डेमोक्रेटिक और फिर रिपब्लिक है। उसके बाद जो आपका सोवरेन सोशलिस्ट और सेक्युलर जो है ये अमेंडमेंट से ऐड हुआ है, और ये क्या सीक्वेंस है दिस ऑल्सो यू शुड कीप इन माइंड कि जस्टिस, उसके बाद लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ऐसे दिया हुआ है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये सीक्वेंस में दिया हुआ है। जस्टिस है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड फ्रेटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। प्रियम्बल में एक ही बार आज तक अमेंडमेंट हुआ है, वो हुआ है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से, और दो बहुत मेजर हमारे जजमेंट्स हैं। वॉट क्वेश्चन प्रणव? I did not understand. Pranav, you are again and again writing in the chat box, ma'am, question. Okay. So 42nd Amendment Act से हमारा एक बार जो amendment हुआ है उससे add हुआ था socialist, secular और integrity. दो cases हैं हमारे जो बहुत important हैं हमारे preamble को लेके, वो है आपका इंद्रे बेरुबेरी केस जिसमें पहले बोला था कि preamble पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, फिर आता है केशव नंदा भारती केस जिसमें बोला था कि प्रियम्बल पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट फॉर्म करता है और इसलिए उसका अमेंडमेंट हो सकता है। अच्छा एक चीज और हम थोड़ा सा देख लेते हैं, फाइनली पार्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट वन स्टार्ट करने से पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, और 8 शेड्यूल्स हैं, 8 शेड्यूल्स थे ओरिजिनली, अब कितने शेड्यूल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं। ओरिजिनली कितने शेड्यूल्स थे कॉन्स्टिट्यूशन में, 8 शेड्यूल्स थे और अब 12 शेड्यूल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। फर्स्ट शेड्यूल जो है वो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज बताता है, सेकेंड शेड्यूल में सैलरीज एंड अलाउेंसेज दी हुई है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, इन सबकी सैलरीज एंड अलाउंसेस सेकेंड शेड्यूल में है। थर्ड शेड्यूल में ओथ एंड अफर्मेशन है, फिर फोर्थ शेड्यूल में एलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, फिफ्थ शेड्यूल बताता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड राइट्स, और सिक्स्थ शेड्यूल स्पेसिफिकली असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की बात करता है, सिर्फ उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और उनमें जो भी कंट्रोल होगा उसके लिए सिक्स्थ शेड्यूल है। सेवेंथ शेड्यूल हमारा लिस्ट है, इसमें यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट दी हुई है हमारी, और पार्ट 11 जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का वो डील करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड सेंटर, और वहां पर ही सेवेंथ शेड्यूल आपका रेलेवेंट होता है। उसके बाद 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस हैं, टोटल कितनी लैंग्वेजेस दी हुई हैं 8th शेड्यूल में, 22 लैंग्वेजेस दी हुई हैं, और पार्ट 17 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो लैंग्वेजेस की बात करता है। फिर 9th शेड्यूल आया था हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 से, ये आया था बेसिकली लैंड रिफॉर्म एक्ट लाने के लिए, जमींदारी अबॉलिशन एक्ट लाने के लिए और इस टाइप के जो भी एक्ट्स थे जिनका जुडिशियल रिव्यू गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि हो, उन सबको लाने के लिए 9th शेड्यूल लाया गया था। ऑल्दो उसके बाद ये प्रिंसिपल चेंज हो गया और अब कोई भी एक्ट या कोई भी लेजिस्लेशन जो गवर्नमेंट लाती है उन सबका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है।
इसके बाद 10th शेड्यूल आपका 52nd अमेंडमेंट एक्ट से आया था, जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन के बारे में बात होती है। आजकल काफी इन टॉक है 10th शेड्यूल हमारा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं डिफेक्शन से रिलेटेड। इसके बाद 11th शेड्यूल जो है उसमें 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से पंचायत आई थी, और फिर 12th शेड्यूल में 74th अमेंडमेंट एक्ट से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आया था। ठीक है, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। अब आपका पार्ट वन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, तो बहुत सिंपल, बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं पढ़ाऊंगी, बहुत ही ब्रीफली मैं पढ़ाऊंगी। क्या है इंडिया, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, इंडिया दैट इज भारत, वो क्या होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। क्या है हम, यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं। क्या क्या होगा, टेरिटरी ऑफ स्टेट्स होगी, यूनियन टेरिटरीज जो फर्स्ट शेड्यूल में स्पेसिफाइड है वो होंगी, और टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड। स्टेट्स और टेरिटरीज दोनों कहाँ स्पेसिफाइड है, फर्स्ट शेड्यूल में स्पेसिफाइड है, ये हमने अभी ऊपर भी पढ़ा था। इसके बाद सेकेंड आर्टिकल जो है वो बोलता है कि पार्लियामेंट एडमिट कर सकता है नई स्टेट्स या स्टैब्लिश कर सकता है नई स्टेट्स। फिर है थर्ड आर्टिकल जो बोलता है कि पार्लियामेंट नई स्टेट फॉर्म कर सकता है, कैसे फॉर्म कर सकता है, किसी एग्जिस्टिंग दो स्टेट्स को सेपरेट कर सकता है, किसी एग्जिस्टिंग दो स्टेट्स को यूनाइट कर सकता है, किसी बाहर से किसी एरिया को अक्वायर करेगा तो उसको मर्ज कर सकता है, फिर उनका एरिया इंक्रीज कर सकता है, डिमिनिश कर सकता है, उनकी बाउंड्रीज ऑल्टर कर सकता है, उनका नेम चेंज कर सकता है। बट अगर ये कोई भी चीजें हो रही हैं तो प्रेसिडेंट का जो असेंट है वो जरूरी है। पहले बिल इंट्रोड्यूस होगा, उसके बाद प्रेसिडेंट का असेंट जरूरी है फॉर डूइंग एनी ऑफ दीज चेंजेस इन एनी ऑफ द स्टेट्स। और अगर किसी स्टेट का एरिया इंक्रीज डिमिनिश या उसकी बाउंड्रीज ऑल्टर या उसका नेम ऑल्टर हो रहा है तो उस स्टेट का जो लेजिस्लेचर है उसका ओपिनियन भी प्रेसिडेंट लेगा। ऑल्दो वो ओपिनियन जो है वो बाइंडिंग नहीं है पार्लियामेंट के ऊपर और ना ही प्रेसिडेंट के ऊपर, वो ओपिनियन बाइंडिंग है। इसी की वजह से जो प्रोविजो है ना हमारे आर्टिकल 3 का, दैट इज अ क्वासाई फेडरल फीचर ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन। क्वासाई फेडरल फीचर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहाँ पे मिलता है हमें, बहुत सारी जगहों पे मिलता है, और उनमें से एक है आर्टिकल 3 का प्रोविजो। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल 4 में कुछ खास नहीं है। फिर पार्ट 2 जो है हमारा, पार्ट 2 जो है वो सिटीजनशिप है। आर्टिकल 5 में दिया है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी इंसान जिसका डोमिसाइल इंडिया में था, जो पैदा हुआ था इंडिया में, जिसके पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए थे, और जो ऑर्डिनरीली 5 साल तक इंडिया में रह रहा था एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, वो सब ऑटोमेटिकली सिटीजन हो गए इंडिया के। इसके बाद जो आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 है वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए, जो पार्टीशन के टाइम पे माइग्रेशन हुआ था उसके लिए रेलेवेंट है, तो इसको मैं छोड़ दूंगी। फिर 8 जो है हमारा, ये भी एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो भी सिटीजनशिप्स दी जा रही थी उनके लिए ये सारे सेक्शंस रेलेवेंट हैं। फिर 9, 9 में क्या है, अगर किसी ने वॉलेंटरिली, किसी सिटीजन ने किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप एक्सेप्ट कर ली है तो उस सिचुएशन में उसकी इंडिया की सिटीजनशिप विल सीज टू एग्जिस्ट, दैट इज व्हाट इज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 9। आर्टिकल 10 सेज दैट एनी पर्सन, गुड इवनिंग गाइस, तन्वी, लक्ष्मी, जीत, एवरीवन, गुड इवनिंग। आर्टिकल 10 बोलता है कि वंस अ सिटीजनशिप हैज बीन ग्रांटेड टू एनी इंडिविजुअल दैट विल नेवर सीज टू एग्जिस्ट, वंस अ सिटीजन ऑफ इंडिया विल ऑलवेज बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया अनलेस ही हैज वॉलंटरिली गिवन अवे हिज सिटीजनशिप और अनलेस ही हैज अक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ एनी अदर कंट्री, देन ही विल सीज टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 11 में पार्लियामेंट के पास पावर है टू रेगुलेट द लॉ रिलेटिंग टू सिटीजनशिप। इसी के अंडर हमारा जो सिटीजनशिप एक्ट है और हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आया है वो सब आर्टिकल 11 के अंदर जो पार्लियामेंट के पास पावर है उसको एक्सरसाइज करते हुए आया है। अब आते हैं हम हमारे एलिफेंट के ऊपर जो है हमारा पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स। ये है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेजर पोर्शन। इफ एनीवन वांट्स दिस पीडीएफ, इफ एनीवन वांट्स दिस डॉक्यूमेंट, इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, मैं सबके लिए अवेलेबल करवा दूंगी, ठीक है। और इतना मैं बोल रही हूँ तो लाइक करना तो बनता है, ठीक है। चलो पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स,
और टेलीग्राम का जो भी चैनल है ना हमारा लीगल एज आफ्टर कॉलेज वाला, उस पर मैं आप लोगों को पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगी सबके लिए। ठीक है, आर्टिकल 12 डेफिनेशन है। डेफिनेशन में क्या है, स्टेट की डेफिनेशन है, क्या होता है स्टेट, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, जो इंडिया की मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट है वो, जो स्टेट गवर्नमेंट और पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वो हमारी स्टेट होती है। और क्या होता है, ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी स्टेट होती है। बट अब यहाँ पे क्या किया, स्टेट का एम्बिट क्योंकि हमें वाइड रखना था, एग्जॉस्टिव नहीं रखना था, तो जो मेजर दो चीजें स्टेट है वो तो यहाँ पे एक्सप्लिसिटली लिखी है, पार्लियामेंट और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, ये सब। पर यहाँ पे क्या वर्ड एडेड है, अदर अथॉरिटीज। अब इस अदर अथॉरिटीज के इंटरप्रिटेशन के लिए हमारे पास बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे केसेस से डिसाइड किया गया कि अदर अथॉरिटीज में कौन से इंस्टीट्यूट्स या कौन से डिपार्टमेंट्स फॉल करेंगे और कौन से फॉल नहीं करेंगे। तो हमारे केसेस की रेंज स्टार्ट होती है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई से, ये पहला केस था जिसमें अदर अथॉरिटीज के इंटरप्रिटेशन की बात उठी थी। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि यूनिवर्सिटी जो है वो स्टेट की तरह पावर एक्सरसाइज नहीं कर रही है, इसलिए यूनिवर्सिटी स्टेट नहीं है। फिर इसके बाद उजमाबाई वाला केस आया था, उजमाबाई वाले केस में फाइनली बोला था कि यूनिवर्सिटी एक स्टेट है। फिर इसके बाद बहुत सारे केस आए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी वर्सेस आर डी शेट्टी का केस आया जिसमें 6 गाइडलाइंस दी बताने के लिए कि कौन सा डिपार्टमेंट या कौन सा इंस्टीट्यूट स्टेट हो सकता है। उसके बाद फाइनली हमारा अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजिब का केस आया जिसकी गाइडलाइंस हम अभी तक फॉलो करते हैं, उसमें 6 गाइडलाइंस दी हुई हैं। और उसमें यस यश अजय हसिया वाला केस, उसमें जो 6 गाइडलाइंस हैं उनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वी आइडेंटिफाई इफ एनी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट और इफ एनी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट इज अ स्टेट और नॉट अ स्टेट। ऑल्सो देर आर अ वेरीड प्लेथोरा ऑफ जजमेंट जिसमें अलग अलग इंस्टीट्यूट्स को और अलग अलग डिपार्टमेंट्स को स्टेट डिक्लेयर करा गया है। ठीक है, इसके बाद नाउ वी आर मूविंग टू आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ। स्टेट किसी भी इंसान को डिनाई नहीं करेगी, स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। दो चीजें हैं आर्टिकल 14 में, पहला है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ये क्या है, ये एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, ये हमने ब्रिटेन से अडॉप्ट किया है, ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, ये बोलता है कि हम सबको जितने भी लोग हैं सबके लिए इक्वल प्रोटेक्शन, लॉ के सामने सब एक बराबर है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा इंसान हो, चाहे वो कोई भी हो, सब लोग इक्वल है लॉ के सामने। दिस इज वॉट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसके बाद ये जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है ये एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, ये हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करा है, ये जो है ये आपका एक वाइडर एम्बिट प्रोवाइड करता है इक्वालिटी के प्रिंसिपल को, और बोलता है कि अगर आप इक्वल बिफोर लॉ रख रहे हो सबको, पर उसमें एक रीजनेबल डिफरेंश या एक इंटेलिजिबल क्लासिफिकेशन जरूरी है। इंटेलिजिबल क्लासिफिकेशन ऐसे करोगे कि बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए अलग लॉज होने चाहिए, ओल्ड लोगों के लिए अलग लॉज होने चाहिए, कोई कास्ट का है, कोई वीकर सेक्शन को बिलोंग कर रहा है, सबके लिए अलग अलग लॉज होने चाहिए, जो जिस तरीके के लॉ को डिजर्व करता है उसके लिए वैसा लॉ होना चाहिए। सो ट्रीट इक्वल्स इक्वली एंड अनइक्वल्स अनइक्वली, दिस प्रिंसिपल इज इन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, इसके बाद इसके इंटरप्रिटेशंस कहाँ से हुए, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का इंटरप्रिटेशन पहली बार हुआ था स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस एफएम बलसारा के केस में, जिसमें कोर्ट ने बोला था कि इंटेलिजिबल डिफरेंशिया जरूरी है, ऐसा नहीं कि किसी के लिए भी कोई भी आप अपनी खुद के डिस्क्रिशन से अलग अलग लॉज बनाते जा रहे हो, अलग अलग रिजर्वेशन लाते जा रहे हो, नहीं, कोई इंटेलिजिबल डिफरेंशिया होना चाहिए, कुछ ग्राउंड्स होने चाहिए जिनके बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर रहे हो दैट दिस पर्टिकुलर पीपल नीड स्पेशल प्रोटेक्शन या दिस पर्टिकुलर पीपल नीड स्पेशल लॉ फॉर देम। फिर ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु वाला केस आया था जिसमें कोर्ट ने फिर आगे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि सिर्फ इंटेलिजिबल डिफरेंशिया नहीं, उसके साथ साथ हम बहुत सारी चीजें रीड करेंगे, हम नेचुरल जस्टिस को उसके अंदर इंकॉर्पोरेट करेंगे, हम रीजनेबल रैशनल नेक्सस को उसके अंदर इंकॉर्पोरेट करेंगे, और हम रीजनेबलनेस के प्रिंसिपल को भी उसके अंदर इंकॉर्पोरेट करेंगे। इसके बाद इसमें नकारा डीएस नकारा वाला केस है, फिर इसमें नागीश मिर्जा वाला केस है, देर आर अ लॉट ऑफ केसेस अगेन, बट क्योंकि हम बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं तो आई हैव जस्ट गिवन यू द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस। ठीक है,
रैशनल नेक्सस क्या होता है कि अगर कोई लेजिस्लेचर बन रहा है, लेजिस्लेशन बन रहा है, तो उसका ऑब्जेक्ट क्या है और उसके पीछे इंटेंशन क्या है, उन दोनों के बीच में एक कनेक्शन होना चाहिए, एक लिंक होना चाहिए, दैट इज नोन एज रैशनल नेक्सस। आर्बिट्रेरीनेस का प्रिंसिपल ये होता है कि स्टेट कोई भी ऐसा एक्ट नहीं करेगी जो किसी और के अगेंस्ट जाए, ठीक है। आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए, जस्ट फेयर एंड इक्वल होना चाहिए, ठीक है। फिर आर्टिकल 15 हमारा, आर्टिकल 15 क्या बोलता है कि स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, कौन कौन से ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, ना ही कोई ऐसे प्रोविजंस बनाएगी जिनकी वजह से इन ग्राउंड्स पे किसी को डिसेबिलिटी हो, रेस्ट्रिक्शन हो, या किसी के ऊपर कोई लायबिलिटी इम्पोज हो या कोई कंडीशन इम्पोज हो, किसी को भी कहीं भी कुछ भी चीज, किसी शॉप का एक्सेस, किसी पब्लिक वॉल, किसी रेस्टोरेंट का एक्सेस, किसी पब्लिक प्लेस ऑफ एंटरटेनमेंट का एक्सेस, होटल्स का एक्सेस, किसी पब्लिक बेदिंग गार्ड्स का यूज करना, वेल्स का यूज करना, टैंक्स का यूज करना, अपना क्या होता है हैंड पंप का यूज करना, इन सब चीजों के लिए नो रेस्ट्रिक्शन विल बी इम्पोज ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। फिर फाइनली जो हमारा थर्ड आर्टिकल, ये सब क्लॉज 3 है, क्लॉज 3 है आर्टिकल 15 का, उसमें बात होती है प्रोटेक्शन ऑफ, स्पेशल प्रोविजन फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन। तो स्पेशल प्रोविजन ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन ये जो है ये क्या है, ये हमारा पॉजिटिव या फेवरेबल डिस्क्रिमिनेशन है। दिस इज नॉट अ डिस्क्रिमिनेशन विदाउट अप्लाइंग एनी माइंड, दिस इज नॉट एन आर्बिट्ररी डिस्क्रिमिनेशन, दिस इज अ पॉजिटिव एंड फेवरेबल डिस्क्रिमिनेशन, बिकॉज विमेन एंड चिल्ड्रन डू नीड स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल सपोर्ट इन द सोसाइटी, दैट इज वाई आर्टिकल का ये सब क्लॉज 3 वॉज एडेड अंडर आर्टिकल 15। फिर इसके बाद हमारा ये केस आया था स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दुराईजन। इसमें ये हुआ था कि एक यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास ने रिजर्वेशन देना स्टार्ट कर दिया था टू द वीकर सेक्शन, एस सी एस टी वगैरह को, और उसके बेसिस पे यहाँ चैलेंज हुआ था। तो इसमें ये बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि आप कास्ट, क्लास और रिलीजन के बेसिस पे रिजर्वेशन नहीं दे सकते कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, इट इज डिस्क्रिमिनेटरी ऑफ आर्टिकल 15। बट फिर अपना ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1951 का, जिससे क्लॉज 4 आर्टिकल 15 में ऐड हुआ, और उसमें बोला कि हम स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। इसके बाद इसको फिर अपहेल्ड कर दिया था, कौन सा केस था कोई बताएगा मुझे, कौन से केस में फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट को अपहेल्ड करा था ये क्लॉज 4 को, जल्दी बताओ मुझे, ठीक है। इसके बाद फिर फिफ्थ क्लॉज क्या है कि हम यही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन दे सकते हैं सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स को, और जो शेड्यूल्ड कास्ट है और शेड्यूल्ड ट्राइब को उनको भी दे सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अभी हमारा सबसे रीसेंट जो एडिशन हुआ है वो हुआ है क्लॉज 6 का, जिसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए रिजर्वेशन दिया जाएगा। ये रिजर्वेशन कितना होगा, ये रिजर्वेशन ओनली 10% होगा, और ये जो 10% है ये 50% के बियॉन्ड होगा। 50% रिजर्वेशन क्या है वो हम आगे बढ़ते हैं, एम नटराजन केस नहीं, चंपाकम दोराईराजन केस था, जो भी सेंट लॉ हैज गिवन द राइट आंसर, चंपाकम दुराईराजन वाले केस में जो क्लॉज 4 था इसको अपहेल्ड करा था। फिर ये आपका आया था 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्लॉज 6 ऐड हुआ था, ठीक है। अब आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, द मोस्ट डिस्प्यूटेड आर्टिकल, द मोस्ट नंबर ऑफ केसेस रिलेटेड टू रिजर्वेशन फॉल फ्रॉम दिस आर्टिकल इटसेल्फ। इसमें पहले तो यह है कि स्टेट सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देगी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। फिर जो सेकेंड क्लॉज है इसका, ये बोलता है कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस, ये जो रेसिडेंस है आपका ये आर्टिकल 15 में नहीं है, रेसिडेंस सिर्फ यहाँ है, इसके बेसिस पे स्टेट किसी के भी साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, किसी को भी इनएलिजिबल नहीं समझेगी फॉर गिविंग पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। और आर्टिकल 3 में जो है यहाँ पर डोमिसाइल के बेसिस पे पार्लियामेंट रिजर्वेशन बना सकती है फॉर एम्प्लॉयमेंट विद इन अ स्टेट। देन 4 जो है वो कहता है कि बैकवर्ड क्लासेस के फेवर में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज दे सकती है। फिर इसके बाद फाइनली
जो हमारा 4A है, यहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे डिस्प्यूट्स। 4A में बोलता है, पहले यहाँ पर 4A आया जहां पे बोला कि कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी की बात करी, रिजर्वेशन एंड प्रमोशन की बात करी। ये आया था आपका 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है। इसको अपहेल्ड करा था इंदिरा स्वानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में। फिर इसके बाद इंदिरा स्वानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में यहाँ पर कोर्ट ने बोला कि अगर आप कैरी फॉरवर्ड वैकेंसी कर रहे हो, अगर आप जो पिछले साल की SC ST के रिजर्वेशन की वैकेंसीज हैं उनको आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, तो 50% का रूल वायलेट नहीं करना चाहिए। तो ये जो रूल था, 50% का रूल जो था, जो सबसे पहले चंपाकम दुराईराजन में आया था कि कोई भी रिजर्वेशन दे रहे हो तो इट शेल नॉट एक्सीड 50%, उसी को फिर से इंदिरा स्वानी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में अपहेल्ड करा था कि कोई भी रिजर्वेशन SC ST OBC के लिए जो है वो 50% को वायलेट नहीं करेगा। उसी को यहाँ पे अपहेल्ड करा और बोला उन्होंने, इंदिरा स्वानी ने, कि जो कैरी फॉरवर्डेड वैकेंसीज हैं वो भी इस 50% के अंदर ही आनी चाहिए। इसको ओवर रूल करने के लिए या इसके इफेक्ट को नलिफाई करने के लिए फिर हमारा क्लॉज 4B आया, जिसमें पार्लियामेंट ने ये बोला कि जो कैरी फॉरवर्डेड वैकेंसीज हैं उनको एक साथ कंसिडर नहीं करना है, दे विल बी कंसिडर्ड एज अ सेपरेट क्लास ऑफ वैकेंसीज, सेपरेट क्लास ऑफ वैकेंसीज की तरह ट्रीट करी जाएंगी। और वो आपके जैसे इस साल 100 वैकेंसीज निकाली हैं उसमें से 50% रिजर्व है, पर पिछले साल की 10 अनरिजर्व वैकेंसीज हैं जो कि रिजर्व क्लासेस के लिए थी, वो इस साल फिर कैरी फॉरवर्ड होंगी, बट दे विल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट क्लास ऑफ वैकेंसीज। तो ये 100 अलग हैं और ये 10 अलग हैं। दिस विल नॉट बी कवर्ड इन द 50% रिजर्वेशन विच इज गिवन फॉर दिस ईयर्स वैकेंसीज। ओके, इसके बाद हमारा 5th में कुछ खास नहीं है। रिलीजियस डोमिनेशन, रिलीजियन और रिलीजियस डिनोमिनेशन के बारे में बात है कि उस सिचुएशन में भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। फिर हमारा जो क्लॉज 6 है ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए है, इसमें 10% रिजर्वेशन जो है इट विल बी ओवर एंड अबव दिस 50% रिजर्वेशन। दिस हैज बीन अपहेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट लास्ट ईयर इन विच केस, टेल मी द नेम ऑफ द केस इन द चैट बॉक्स। ओके, फिर इसके बाद हमारा है आर्टिकल 17, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात है। दो ही केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट के जो इम्पोर्टेंट हैं इसके लिए, एक जय सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है और एक देवराजन वर्सेस पद्मनाभ है। इन दोनों केसेस में सिर्फ अनटचेबिलिटी को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया था, क्योंकि इस आर्टिकल में अनटचेबिलिटी का कोई लेंथी एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए इन दोनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना ओपिनियन दिया था एज टू व्हाट इज अनटचेबिलिटी। और दो एक्ट्स हैं हमारे, एक SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट और दूसरा है हमारा सिविल राइट्स एक्ट। वो दोनों एक्ट्स आर्टिकल 17 के अंदर ही पार्लियामेंट हमने पावर एक्सरसाइज करके दिए हैं। यस राइट, जो आर्टिकल 16 का हमारा क्लॉज 6 है EWS वाला, उसको अब हेल्प किया, जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया से। वेरी गुड, किसने पहले बोला था, नव्या, महक, प्रखर, वेरी गुड, गुड गाइस, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इसमें एक आप सबरीमाला जजमेंट में जो DY चंद्रचूड़ का ओपिनियन था, इंडिया यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया वाला जो केस था, उसमें DY चंद्रचूड़ ने अपने ओपिनियन में बोला था कि जो सबरीमाला जजमेंट में आप विमेन को एंट्री नहीं दे रहे हो इन द टेम्पल, दैट अमाउंट्स टू एन अनटचेबिलिटी फॉर विमेन एंड इज इन वायोलेशन ऑफ आर्टिकल 17 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, इंडिया में किसी को भी कोई भी दूसरा टाइटल नहीं मिलेगा अदर देन मिलिट्री और अकेडमिक डिस्टिंक्शन। सिर्फ आप अगर आपने PhD कर लिया, आप डॉक्टर हो तो आप डॉक्टर लगा सकते हो, एडवोकेट हो तो ADV लगा सकते हो, आप मेजर हो या कैप्टन हो, आर्मी में हो, कुछ हो, तो आप उसका जो टाइटल है वो यू कैन यूज, बट अदर देन दैट राजा, महाराजा, महारानी, सेठ जी और ये जितने भी होते हैं, दीज आर नॉट अलाउड, दिस इज आर्टिकल 18। नाउ कमिंग टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल विच इज आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में ये जो है, एवरी वन शुड रिमेम्बर द क्लॉजेज कि सब क्लॉज में क्या है, ठीक है, और कौन से क्लॉज में किसका रेस्ट्रिक्शन है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद क्या है हमारा फर्स्ट आर्टिकल 19 में पहला क्लॉज क्या है, सारे सिटीजन्स के पास क्या होगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होगा। इसके बाद टू असेंबल पीसिबली विदाउट आर्म्स, टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया,
टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ट्रेड. इसको एक सिंपल कहानी की तरह याद करते हैं. मान लो कि आई बिलीव इन दी गांधीयन फिलोसफी, तो मैं गांधी जी की जो फिलोसफी है उसको प्रीच कर रही हूँ या उसके बारे में बात कर रही हूँ. दैट इज माई स्पीच एंड एक्सप्रेशन. अब मेरे और भी स्टूडेंट्स हैं जो गांधी की फिलोसफी में बिलीव करते हैं, तो हम लोगों ने मिलके उसके ऊपर डिस्कशन करें. तो हमने क्या किया, वी असेंबल्ड पीसिबली एंड डिस्कस्ड अबाउट गांधीयन फिलोसफी. इसके बाद अब हमें लगा कि यार इसको और प्रीच करना चाहिए, एक एसोसिएशन बनाते हैं और उसमें गांधी की जो फिलॉसफी थी उसी के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेंगे और उसी के प्रिंसिपल्स को प्रीच करेंगे. तो हमने एक एसोसिएशन बना लिया, गांधी यूनियन. ठीक है, फिर इसके बाद उसको प्रीच करने के लिए हम दूसरी दूसरी सिटीज में जा रहे हैं, दूसरी दूसरी स्टेट्स में जा रहे हैं. तो हम उस मूव फ्रीली कर रहे हैं और वहां जा रहे हैं तो हम ऑब्वियसली वहां रह रहे हैं. फिर हमने धीरे से स्टार्ट करा कि हमने जो खादी के प्रोडक्ट्स हैं या जो गांधी जी के चरखे वाले प्रोडक्ट्स हैं उनको हमने बेचना भी शुरू कर दिया. तो ये अब हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रोफेशन या कैरी ऑन कर रहे हैं ट्रेड. तो इस स्टोरी से यू कैन ट्राई एंड रिमेम्बर दीज क्लॉज, दीज सब क्लॉजेस. ओके, अब और ये में हमारा एक 19(1)F था जो राइट टू प्रॉपर्टी था, ये 44th अमेंडमेंट एक्ट से हट गया है. और अब राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, क्या राइट टू प्रॉपर्टी कोई राइट है, फंडामेंटल राइट है, क्या है, कहाँ है, कॉन्स्टिट्यूशन में है कि नहीं है, बताओ चैट बॉक्स में. ठीक है, फिर इसके बाद अब हम ये, हाँ अब इसमें क्या है, ये जो भी राइट्स हैं ये विदाउट रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप खुलेआम जाके कुछ भी नहीं कर सकते. देर आर सम रेस्ट्रिक्शंस जो गवर्नमेंट ने लगाए हैं और जो जरूरी हैं. ठीक है, ये रेस्ट्रिक्शंस क्या है, ये क्लॉज 2 से लेके क्लॉज 6 में दिए हुए हैं. तो क्लॉज 2 में सबसे पहले, यस वेरी गुड, जी टू वी गेमिंग ने कहा है कि राइट टू प्रॉपर्टी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. आर्टिकल, यश ने सही बताया है, आर्टिकल 300A में दी हुई है राइट टू प्रॉपर्टी एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, नो मोर अ फंडामेंटल राइट. ओके, तो हमारा जो क्लॉज 2 है इसमें हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस होंगे वो प्रोवाइडेड है. क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस होंगे, 9 रेस्ट्रिक्शंस हैं. पहला क्या है, सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया के अगेंस्ट नहीं हो सकता है, आप जो भी बोल रहे हो वो सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया के अगेंस्ट नहीं जा सकता है. सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के अगेंस्ट नहीं जा सकता है. अगर स्टेट के फ्रेंडली रिलेशंस हैं तो उस दूसरी स्टेट के लिए भी आप कुछ नहीं बोल सकते, इंडिया के फ्रेंडली रिलेशंस हम हैम्पर नहीं करेंगे. फिर पब्लिक ऑर्डर के लिए कुछ नहीं बोल सकते, डिसेंसी के लिए कुछ नहीं बोल सकते, मोरालिटी के लिए कुछ नहीं बोल सकते, कोई ऐसी चीज नहीं बोल सकते जिससे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो, डिफेमेशन नहीं कर सकते और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस नहीं कर सकते. एक और हमारा जजमेंट है जिसमें डिफेमेशन की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहेल्ड करा गया था इसी ग्राउंड पे कि जो हमारा 19 क्लॉज 2 है उसमें डिफेमेशन एज एन एक्सेप्शन प्रोवाइडेड है एंड दैट इज व्हाई डिफेमेशन कैन बी अ क्रिमिनल ऑफेंस. व्हाट इज द नेम ऑफ द केस, एनीवन नोस? और एक और केस जो इसी साल जनवरी में आया है जिसमें बोला है कि जो 19 क्लॉज 2 है हमारा इट इज एग्जॉस्टिव, ऐसे ही अपनी मर्जी से इसमें और रेस्ट्रिक्शंस हम ऐड नहीं करेंगे. टेल मी द नेम ऑफ बोथ द केसेस इन द चैट बॉक्स. ओके, फिर हमारा थर्ड रेस्ट्रिक्शन किस पे है, असेंबल करने पे. असेंबल कैसे करेंगे, असेंबल करने पे क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, ऑब्वियसली सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, कभी भी हम सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया के अगेंस्ट नहीं जाएंगे. राइट, सुब्रमण्यम स्वामी वाला केस है जिसमें डिफेमेशन की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहेल्ड किया गया था सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी. उसके बाद इस साल जो हमारा केस आया है वो है कौशल किशोर. वेरी गुड नाव्या, कौशल किशोर में बोला है कि आर्टिकल 19 क्लॉज 2 जो है इट इज एग्जॉस्टिव इन इटसेल्फ, यू कैन नॉट एड अदर रेस्ट्रिक्शंस इन इट. ठीक है, तो हम असेंबल कैसे करेंगे, हमारी असेंबली सब्जेक्ट टू द रेस्ट्रिक्शंस ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया एंड पब्लिक ऑर्डर, इन सब में अलग से रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी ऐड करने का पार्लियामेंट के पास पावर है. फिर हमारा अब हम क्या करेंगे, एसोसिएशन किस, एसोसिएशंस को किस ग्राउंड पे रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया. फिर हमारा घूमना फिरना और हमारा कहीं भी जाके रहना रुकना सेटल होना, उसको हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट पे और शेड्यूल ट्राइब्स के इंटरेस्ट पे. जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में हमने कब रेस्ट्रिक्ट किया था, अभी COVID-19 के टाइम पे हमने जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में रेस्ट्रिक्ट कर दिया था मूवमेंट.
आप फ्रीली मूव नहीं कर सकते थे, आप कहीं भी जाके रिसाइड और सेटल नहीं कर सकते थे। उसके बाद शेड्यूल ट्राइब्स के इंटरेस्ट में बहुत सारे लेजिस्लेशन हैं, जो स्टेट लेजिस्लेशन होते हैं उनमें रेस्ट्रिक्शन होते हैं कि आप शेड्यूल ट्राइबल एरियाज में जाके परमानेंट सेटलमेंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। फिर हमारा जो क्लॉज 6 है उसमें क्या रेस्ट्रिक्शन है, आप अपना ट्रेड प्रोफेशन और बिजनेस कब कब नहीं कर सकते और किस किस तरीके से नहीं कर सकते, या क्या रेस्ट्रिक्शन लग सकते हैं। ऑब्वियसली इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, आप पब्लिक प्लेस में जाके वीड बेचोगे जो कि इलीगल है, पब्लिक हेल्थ को हैम्पर करता है, नॉट अलाउड। ड्रग्स बेचोगे, नॉट अलाउड। दीज आर ऑल रेस्ट्रिक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। और स्टेट क्या कर सकता है, कोई भी प्रोफेशनल या टेक्निकल क्वालिफिकेशन स्पेसिफाई कर सकता है किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन या पर्टिकुलर बिजनेस के लिए, और स्टेट खुद के लिए कोई भी एक्टिविटी को मोनोपोलाइज भी कर सकता है, ठीक है। फिर आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। इसकी तीन बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज, फर्स्ट एक्सपोज्ड फैक्टो लॉज, ठीक है। एक्सपोज्ड फैक्टो लॉज में क्या बात है कि कोई भी इंसान को अगर किसी ऑफेंस के लिए कॉन्विक्ट कर रहे हैं तो कौन से लॉ के अंडर कन्विक्शन हो सकता है, कन्विक्शन सिर्फ उस लॉ के अंडर हो सकता है जो लॉ उस टाइम पर एग्जिस्ट कर रहा था व्हेन द पर्सन कमिटेड एन ऑफेंस, ठीक है। शैल बी कन्विक्टेड फॉर वायलेशन ऑफ अ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट ना, और उसको एंड टू अ पेनल्टी विच वॉज देयर इन दैट एक्ट, कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू अ पेनल्टी ग्रेटर देन दैट विच हैज बीन इन्फ्लिक्टेड एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस। फिर सेकेंड प्रिंसिपल क्या है हमारा, ये है हमारा डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी का प्रिंसिपल है, इसमें कहता है कि एक बार किसी इंसान को प्रोसिक्यूट करके पनिश कर दिया, एक बार किसी को प्रोसिक्यूट करके कॉन्विक्ट कर दिया तो उसको दोबारा सेम ऑफेंस के लिए प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते, कॉन्विक्ट नहीं कर सकते। इसी से रिलेटेड एक सेक्शन है सीआरपीसी में, जिसमें आप अक्विटल के ऊपर भी अप्लाई करते हो डबल जियोपार्डी वाला प्रिंसिपल। टेल मी द सेक्शन। हाँ, ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। पीडीएफ चाहिए ना तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, तो मैं पीडीएफ दे दूंगी। जितने भी लोग लाइव हैं सबने सब्सक्राइब कर दिया और सबने लाइक कर दिया मेरा वीडियो, तो सबको पीडीएफ, ठीक है, ठीक है। फिर क्या है थर्ड वाला हमारा केस, थर्ड प्रिंसिपल क्या है आर्टिकल 20 के अंदर, ये है हमारा, क्या है थर्ड प्रिंसिपल, सेल्फ इंक्रिमिनेशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ठीक है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन थर्ड क्लॉज है कि किसी भी पर्सन को जो अक्यूज है किसी ऑफेंस का, सेक्शन 300 सीआरपीसी, वेरी गुड, सही आंसर है। उसमें भी डबल जियोपार्डी जैसे प्रिंसिपल को के ऊपर लॉ बनाया है, ठीक है। और उसमें अक्विटल के ऊपर भी अप्लाई होता है, आप कन्विक्ट हुए हो या अक्विट हुए हो पर अगर ऑफेंस सेम था तो फिर से ट्रायल नहीं होगी, दैट इज सेक्शन 300 सीआरपीसी। प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन Clause 3 of Article 20 says कि any person who is accused for an offence shall not be compelled to be a witness against himself. खुद के अगेंस्ट उसको टेस्टिफाई करने के लिए नहीं बोला जाएगा, और खुद के अगेंस्ट अगर वो मतलब कोई एविडेंस देता है तो उसको भी ट्रीट नहीं किया जाएगा until and unless वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन की तरह दिया हो, या जो भी हमारे प्रोसीजरल लॉज में गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग दिया हो, ठीक है। इसी से रिलेटेड आपके इसी के बेसिस पे सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका वाला केस है, काठिकालू वाला केस है, जिसमें आपकी नार्को एनालिसिस और आपका पॉलीग्राफ टेस्ट उन सबको बैन किया था, इसी ग्राउंड पे बैन किया था कि वो सेल्फ इंक्रिमिनेशन होता है उसमें, ठीक है। यस, काठिकालू वर्सेस बॉम्बे, वेरी गुड यश। फिर क्या इसमें और कौन से जो केसेस हैं, दो एक्स ये अपने एक्सपोज फैक्टो लॉज से रिलेटेड दो इम्पॉर्टेंट केसेस हैं। एक है रतन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जिसमें बोला था कि अगर कोई एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ है, कोई ऐसा लॉ बनाया है जिसका आपको रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन करना है, तो उसका रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन अक्यूज के ऊपर सिर्फ बेनिफिट के लिए हो सकता है, उसका नेगेटिव एप्लीकेशन नहीं होगा। कोई बेनिफिट दे रहा है अगर अक्यूज को, कोई बेनिफिट दे रहा है अगर अक्यूज को तो ही उस क्रिमिनल लॉ का रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। दिस वॉज रतन लाल वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब। इसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 21 पे,
जिसके अंदर कितने जजमेंट्स हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है, और इसके अंदर सबसे ज्यादा इंटरप्रिटेशन होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, और इसका सबसे ज्यादा वाइड एम्बिट है. क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट. क्या एक्सेप्शन है इसमें? प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ. ये जो प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ है ना, दिस वॉज वन ऑफ द मेजर क्वेश्चन एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, कि क्या है ये प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, क्या है ये. हमने वैसे तो जापान से अडॉप्ट किया है, पर इसका इंटरप्रिटेशन किस एक्सटेंट तक हो सकता है, किस एक्सटेंट तक हम किसी की लाइफ या पर्सनल लिबर्टी को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं. सबसे पहले ये क्वेश्चन उठा था आपका ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास वाले केस में. इसमें एक लेजिस्लेटिव मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन टाइप का कोई एक्ट था, उसके एक प्रोविजन को चैलेंज किया गया था. इसमें ए के गोपालन में एक बहुत ही नैरो और बहुत ही क्या बोलते हैं, छोटा इंटरप्रिटेशन किया था प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ का. कोर्ट ने बोला कि प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब है कि जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन है सिर्फ उसको आर्टिकल 21 के अंदर आप जुडिशियल रिव्यू के एम्बिट में ला सकते हो, पर कोई भी लेजिस्लेटिव एक्शन जो है, क्योंकि लेजिस्लेटिव एक्शन इज अ प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, उसके ऊपर आप आर्टिकल 21 के अंदर क्वेश्चन रेज नहीं कर सकते. और साथ में ये भी बोला था कि जो वर्ड पर्सनल लिबर्टी है, पर्सनल लिबर्टी का मतलब होता है लिबर्टी टिल द बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल. जितनी उसकी बॉडी से रिलेटेड लिबर्टी है बस वही पर्सनल लिबर्टी होगी. तो ये एक बहुत ही नैरो इंटरप्रिटेशन था ए के गोपालन वाले केस में. इसके बाद खड़क सिंह आया था, उसने थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन बड़ा करा था, बट स्टिल वो भी नैरो था. फिर फाइनली हमारा आया मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें एकदम इंटरप्रिटेशन फाइनली बहुत अच्छा हुआ था. इसमें ये बोला था मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, पहले तो मेनका गांधी का पासपोर्ट कॉन्फिस्केट कर लिया था, तो उसने कहा था कि मेरी पर्सनल लिबर्टी के अगेंस्ट है. यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि जो हमारे आर्टिकल 14, 19 और 21 है वो तीनों फॉर्म करते हैं एक गोल्डन ट्रायंगल. उन तीनों को हमेशा साथ में रीड करना होता है. पर्सनल लिबर्टी का मतलब सिर्फ लिबर्टी अप टू द बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल नहीं होती है. पर्सनल लिबर्टी में उसकी बहुत सारी राइट्स इंक्लूड होती हैं, राइट टू मूव, राइट टू फ्रीली, राइट टू सेटल, राइट टू रिसाइड, ये सब जो है वो भी पर्सनल लिबर्टी में रीड होती है. पर्सनल लिबर्टी में आर्टिकल 14 और 19, 21 के साथ रीड होता है. उसके बाद प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ का इंटरप्रिटेशन करते हुए बोला था कि एट द टाइम व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनको पता था कि उनको बहुत सारे ऐसे लॉज लाने पड़ेंगे जिसका जो आर्टिकल 21 का कहीं ना कहीं वायलेशन शायद कर सकते हैं, जैसे कि जमींदारी एक्ट्स आ रहे थे, हमारे हमारे डिटेंशन वाले एक्ट्स आ रहे थे, बहुत सारी चीजें आ रही थी. उस वजह से उस टाइम पे प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ रखा गया था. बट क्योंकि अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पुराना हो गया है एंड वी नीड टू वाइडन द एम्बिट, हमें अब जो यूएस की डेफिनेशन है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वाली, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की तरह रीड करना चाहिए प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ को. ठीक है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की तरह रीड करेंगे प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ को. और ये वाइड इंटरप्रिटेशन आया था मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में. इसके बाद लेजिस्लेटिव एक्शंस कैन आल्सो बी चैलेंज्ड अंडर आर्टिकल 21. सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शंस नहीं, लेजिस्लेटिव एक्शंस भी चैलेंज करे जा सकते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की तरह रीड करते हुए प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को. ओके, इसके बाद राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A, ये आपका आया था 2002 के 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ. इसके दो इम्पॉर्टेंट केसेस हैं, मोहिनी जैन और उन्नी कृष्णन केस, इन दोनों में राइट टू एजुकेशन की बात की थी जिसके बेसिस पे ये अमेंडमेंट आया था. और फाइनली फिर RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट भी हमारा आया है. फिर आर्टिकल 22 क्या बात करता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस. गोल्डन ट्रायंगल वॉज ऑल्सो डिस्कस्ड इन मिनर्वा मिल्स वाला केस, बट सबसे पहले गोल्डन ट्रायंगल का प्रिंसिपल किस में आया था? मेनका गांधी में आया था. ठीक है, ओके. प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, ये हमारा आर्टिकल 22 है. इसमें क्या है कि कोई भी इंसान जो भी अरेस्ट हो रहा है और उसको आप कस्टडी में रख रहे हो, तो कब अरेस्ट कर सकते हैं? आफ्टर इन्फॉर्मिंग हिम
आफ्टर इन्फॉर्मिंग हिम द ग्राउंड्स फॉर सच अरेस्ट, और उसको ये भी बताया जाएगा कि उसके पास है एक राइट टू कंसल्ट एंड टू बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस. क्या क्या होगा? ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताओगे, ये बताओगे कि राइट टू कंसल्ट अ लीगल प्रैक्टिशनर है एंड राइट टू बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर है. ठीक है. नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन इन कस्टडी विदाउट बींग इन्फॉर्म्ड एज सून एज मे बी द ग्राउंड ऑफ सच अरेस्ट, नॉर शैल ही बी डिटेन्ड नॉर शैल ही बी डिनाइड द राइट टू कंसल्ट एंड टू बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस. इसके बाद दूसरा हमारा जो बात करता है वो 24 आवर्स वाले प्रिंसिपल की बात करता है. एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी शुड बी प्रोड्यूस शैल बी प्रोड्यूस बिफोर द मैजिस्ट्रेट बिफोर द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट विद इन अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स. और इसमें एक्सक्लूड होगा हमारा टाइम नेसेसरी फॉर जर्नी फ्रॉम प्लेस टू अरेस्ट टू द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट. कौन सा सेक्शन है सीआरपीसी का विच टॉक्स अबाउट द सेम प्रिंसिपल? टेल मी द सेक्शन विच टॉक्स अबाउट द सेम प्रिंसिपल. ठीक है, सीआरपीसी में कौन सा सेक्शन है? इसके बाद ये जो हमारे क्लॉज वन और क्लॉज टू है ये एप्लीकेबल नहीं होते हैं दो सिचुएशंस में. पहला है अगर कोई एनिमी एलियन है, और दूसरा प्रिवेंटिव डिटेंशन का एक्ट जहां अप्लाई होता है उस सिचुएशन में. ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताना, राइट टू बी डिफेंडेड, राइट टू कंसल्ट अ लॉयर, 24 घंटे में मैजिस्ट्रेट के सामने अपियर होना, ये कोई भी चीज एप्लीकेबल नहीं है. सेक्शन 41D ऑफ सीआरपीसी नहीं है, सेक्शन 57 ऑफ सीआरपीसी है, और एक और सेक्शन है सीआरपीसी का. ठीक है, खुद से पता करना. इसके बाद जो इसका फोर्थ और फिफ्थ क्लॉज है दैट आई एम स्किपिंग, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन पे आते हैं अब हम. पहला क्या है हमारा आर्टिकल 23, ये बोलता है कि ह्यूमन बीइंग्स के साथ आप एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते. क्या क्या चीजें अलाउड नहीं है? ट्रैफिक अलाउड नहीं है, ट्रैफिकिंग अलाउड नहीं है ह्यूमन बीइंग्स की, उनको खरीदना, उनको बेचना. बेगारी, बेगारी इज वॉट, इट इज अ फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर, दैट इज नॉट अलाउड. दिस इज नॉट इंग्लिश वाला बेगर, दिस इज बेगार. ठीक है, फिर फोर्स लेबर, ये सब प्रोहिबिटेड है, और इन सब के लिए पार्लियामेंट एक लॉ बनाएगा और उसमें ऑफेंसेस जो हैं इनको, इन सारे एक्ट्स को पनिश कर सकता है. फिर इसके बाद बट यहाँ पर स्टेट जो है, अगर स्टेट को कोई सर्विस रिक्वायर्ड है या कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हुई है दैट स्टेट नीड्स द सर्विस ऑफ पीपल, तो वहां पर स्टेट उन लोगों को बोल सकती है फॉर कंपल्सरी सर्विस, इम्पोज कर सकती है कंपल्सरी सर्विस, और ये आर्टिकल स्टेट को प्रिवेंट नहीं करेगा फ्रॉम इम्पोजिंग कंपल्सरी सर्विस. इसके बाद आर्टिकल 24 हमारा है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन. तो कोई भी बच्चा जो 14 साल से कम एज का है उसको आप किसी भी फॉर्म के एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉय नहीं कर सकते. आर्टिकल 24 के अंदर ओनली फैक्ट्री, माइन और हजार्डस एम्प्लॉयमेंट है, बट अब हमारा प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड एक्ट करके जो एक एक्ट है उसके बाद से आप किसी भी एम्प्लॉयमेंट में 14 साल से छोटे बच्चे को एम्प्लॉय नहीं बना सकते हो इन एनी फॉर्म ऑफ सर्विस. रेस्टोरेंट्स हो गए, जो भी हो गया, चाय वाले का ठेला हो गया, कोई भी काम के लिए अब आप नहीं रख सकते हो. ठीक है, फिर हम आते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. अगेन बहुत सारे केसेस आए हैं हमारे इस पे और आते ही रहते हैं, इट इज अ रेगुलर प्लेस ऑफ इंटरप्रिटेशन. थैंक यू अर्पिता मैम, थैंक यू राधिका मैम. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. तो आर्टिकल 25 हमारा जो है वो है, हाँ, एम सी मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1996 वाला जो केस था उसके बाद से हमारा आर्टिकल 24 के अंदर प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हजार्डस एम्प्लॉयमेंट्स और वो सब जो है वो वाला एक्ट आया था. और एम सी मेहता वाला जो केस है 1996 का, उसमें ही गाइडलाइंस इशू हुई थी कि कैसे कैसे बच्चों को आप एम्प्लॉय नहीं कर सकते हो. ठीक है, फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25, ये क्या बोलता है? फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन. आपकी जो बिलीफ है आप उसको रख सकते हो, आप उसको फॉलो कर सकते हो, आप उसको प्रीच कर सकते हो, उसको प्रैक्टिस कर सकते हो. ये जो कॉन्शियंस है दिस इज नॉट ओनली रिलेटेड टू रिलीजन, कॉन्शियंस इज अ वाइडर टर्म. कॉन्शियंस मतलब आप क्या बोलते हैं, किसी बाबा में बिलीव करते हो, आप उनकी थिंकिंग को भी एक्सेप्ट कर सकते हो, आप जो भी प्रिंसिपल्स को आप बिलीव करते हो यू कैन प्रोफेस देम, प्रैक्टिस देम एंड प्रोपोगेट देम. बस एक चीज है इसमें जो आपको याद रखनी चाहिए, आर्टिकल 25 एंड आर्टिकल 26 इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर,
हेल्थ मोरालिटी एंड पार्ट थ्री प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, ठीक है। इसके ऊपर स्टेट कोई भी रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है आपकी इस राइट के ऊपर ऑन थ्री ग्राउंड्स, नहीं फोर ग्राउंड्स, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड प्रोविजंस ऑफ पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑल्सो स्टेट कब ऐसी कोई भी प्रैक्टिस को रेगुलेट और रेस्ट्रिक्ट भी कर सकती है इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल या सेक्युलर एक्टिविटी के बेसिस पे, और स्टेट कोई सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन भी बना सकती है टू रेगुलेट रिलीजियस प्रैक्टिसेस, जैसे कि थ्रोइंग ओपन ऑफ हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, या जैसे कि और भी बहुत सारे एक्ट्स स्टेट हमारी बना लेती है टू रेगुलेट रिलीजियस एक्टिविटीज। ओके, वो सब बनते हैं इसके अंदर। ओके, एंड और अंडर दीज फोर रेस्ट्रिक्शंस, उसके बेसिस पे स्टेट रेस्ट्रिक्ट्स योर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फिर आर्टिकल 26 में हमारे रिलीजियस अफेयर्स मैनेज करने की राइट है। कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश या मेंटेन कर सकता है अपने रिलीजन के लिए इंस्टीट्यूट, चैरिटेबल पर्पसेस के लिए अपने खुद के अफेयर्स को मैनेज कर सकता है, कोई भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को अक्वायर कर सकता है या एडमिनिस्टर कर सकता है ऐसी प्रॉपर्टी को। फिर 27 में सिर्फ टैक्स है, अगर प्रमोशन ऑफ रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए स्टेट कभी भी टैक्स इम्पोज नहीं करेगी। 28 में है कि अगर कोई स्टेट इंस्टीट्यूशन है तो वो आपके लिए कभी भी कंपलसरी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं रखेगा, किसी को भी मैंडेटरीली स्टेट इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस अटेंड करने की जरूरत नहीं होगी, अनटिल एंड अनलेस वो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो खुद किसी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन के लिए बना हो या किसी रिलीजियस एंडाउमेंट को स्टैब्लिश करने के लिए या प्रीच करने के लिए बना हो, उस सिचुएशन में बोला जा सकता है, ठीक है। फिर है हमारी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, किस किस बेसिस पे मिलता है प्रोटेक्शन? कोई भी सेक्शन ऑफ एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन रिसाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट देयर ऑफ हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ओन शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। क्या है उनके पास? डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, डिस्टिंक्ट कल्चर है, या डिस्टिंक्ट क्या है, स्क्रिप्ट है, ठीक है। तो वो अपने कल्चर, स्क्रिप्ट और लैंग्वेज को प्रिजर्व कर सकते हैं आर्टिकल 29 के अंडर। आर्टिकल 30 में माइनॉरिटीज के पास राइट है कि वो स्टैब्लिश कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। अब हम आते हैं सीधे हमारे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज पे। ये है हमारा आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 क्या बात करता है? रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। राइट्स तो हमको बहुत सारी मिल गई पर इनको इन्फोर्स कराना भी तो जरूरी है, तो उसके लिए है हमारा आर्टिकल 32। इसको एनफोर्स कैसे कराएंगे, कहाँ करवा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में आप जाके इन्फोर्स करा सकते हो। एवरी वन हैज द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। और क्या क्या सुप्रीम कोर्ट किस किस बेसिस पे ये राइट्स आपकी इंश्योर कर सकता है या अपहेल्ड कर सकता है, ये कर सकता है, ये रिट्स होती हैं हमारी 5, इनके बेसिस पे दिस इज द पावर दैट सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइजेस। और कौन से कोर्ट के पास पावर होती है टू एक्सरसाइज रिट ज्यूरिसडिक्शन, और कौन से आर्टिकल में है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, बताओ, चैट में, ठीक है। ओके, तो हेबियस कॉर्पस की रिट है सबसे पहले हमारी, जहां पर कोई भी इलीगल डिटेंशन हो रहा है। आर्टिकल 20, आर्टिकल 20, आर्टिकल 22 का वायलेशन हो रहा है, वहां पे हेबियस कॉर्पस अट्रैक्ट होती है। जहां पर मैंडेमस क्या है? वी कमांड। इसमें कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या कोई भी डिपार्टमेंट सब ऑर्डिनेट टू द कोर्ट है या कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उसको सुप्रीम कोर्ट बोल सकता है कि परफॉर्म दिस पर्टिकुलर एक्ट, वी आर कमांडिंग यू टू परफॉर्म दिस पर्टिकुलर एक्ट। उसके बाद हाँ, हाई कोर्ट के पास भी रिट ज्यूरिसडिक्शन है अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है, वेरी गुड गाइज, ठीक है। हैबियस कॉर्पस में टू हैव द बॉडी हो गया, मैंडमस में सुप्रीम कोर्ट किसी भी डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को ऑर्डर दे सकता है, कमांड कर सकता है कि परफॉर्म अ पर्टिकुलर एक्शन। इसके बाद प्रोहिबिशन क्या है? प्रोहिबिशन में किसी भी जुडिशियल अथॉरिटी को, किसी भी सबऑर्डिनेट जुडिशियल कोर्ट को, हाई कोर्ट को या किसी भी जुडिशियल कोर्ट को प्रोहिबिट कर सकता है फ्रॉम पासिंग एन ऑर्डर और फ्रॉम कंटिन्यूइंग विथ अ प्रोसीडिंग।
क्वो वारंटो में किसी भी सबऑर्डिनेट या किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से पूछेगा कि कौन सी अथॉरिटी से आपने ये पर्टिकुलर काम परफॉर्म करा है। और सर्शररी क्या होती है? सर्शररी होती है टू बी सर्टिफाइड। इसमें किसी भी लोअर कोर्ट के किसी केस के रिकॉर्ड्स को बुला के सर्टिफाई कर सकता है दैट द रिकॉर्ड्स आर परफेक्ट या रिकॉर्ड्स आर नॉट परफेक्ट। दिस इज सिमिलर टू रिविजन प्रोसीडिंग्स, ठीक है। ऑल्सो एक और रिट है विच सुप्रीम कोर्ट हैज इवॉल्व्ड फॉर इटसेल्फ। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट रिट एंड व्हाट इज द जजमेंट थ्रू विच दैट रिट हैज कम? टेल मी दैट इन द चैट बॉक्स, ओके। और इसके सबसेक्शन 3 के अंडर पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी कोर्ट को एम्पावर कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट के अलावा और भी किसी भी कोर्ट को एम्पावर कर सकता है कि वो रिट ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज कर सके, ठीक है। ये जो जो अपना पार्ट 3 है इसकी राइट्स और आर्टिकल 32 की राइट्स कभी भी सस्पेंड नहीं होंगी एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है? एमरजेंसी, एमरजेंसी के टाइम पर सस्पेंड हो जाती हैं राइट्स, ओके। ओ गॉड, सच बैड हैंड राइटिंग, ठीक है। फिर आर्टिकल 33 क्या है हमारा? आर्टिकल 33 अभी इस बार के क्लैट पीजी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल एक केस आया है। हाँ, एक मिनट, क्यूरेटिव पेटिशन सही है, हुसैन अरा खातून का केस सही नहीं है। कौन से केस से क्यूरेटिव पेटिशन? वेरी गुड सात्विका। अशोक कुमार हुर्रा वाला जो केस है, अशोक कुमार हुर्रा वो वाले केस से क्यूरेटिव पेटिशन का कॉन्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट लेके आया था, ठीक है। अब आर्टिकल 33 ये क्या है कि पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि जो भी लोग आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स हैं, है ना, आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स हैं या फिर जो भी लोग पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करते हैं जैसे कि पुलिस वाले हो गए, है ना, BSF हो गया, जो भी हमारे, या और जो भी लोग इंटेलिजेंस या काउंटर इंटेलिजेंस ब्यूरोज में काम करते हैं के रॉ वाले हो गए, इस टाइप के जो भी लोग हैं, ठीक है, और जो भी इन सब से रिलेटेड टेली कम्युनिकेशन सिस्टम्स में बात करते हैं, जो इनकी टेली कम्युनिकेशन या इनका कम्युनिकेशन हैंडल करते हैं, उन सब लोगों के लिए पार्लियामेंट लॉ बनाकर रेस्ट्रिक्ट कर सकता है पार्ट 3 की राइट्स। इनके पास सारी पार्ट 3 की राइट्स नहीं होती हैं। हाँ, रूपा अशोक हुरा वर्सेस अशोक हुरा का केस है, रोहिणी सही बोल रही है। हाँ, इस साल इससे रिलेटेड जो केस आया है जिसमें आर्म्ड फोर्सेस नेवी वालों के लिए सस्पेंड कर दिया था, वो ये बोला था कि सेक्शन 498 जो है आपका अडल्ट्री वाला आईपीसी का, उसका प्रोटेक्शन, उसका अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने का प्रोटेक्शन आर्म्ड फोर्सेस वालों को नहीं मिलेगा। ये बोला था जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो इस साल का जजमेंट आया 2023 में, उसमें आर्टिकल 33 को डिस्कस करते हुए बोला था कि उनके पास सारी फंडामेंटल राइट्स नहीं होती हैं, इसलिए ये वाला प्रोटेक्शन उनको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। फिर 34 क्या है? आर्टिकल 34 में बोला है कि कहीं पर मार्शल लॉ अगर एप्लीकेबल है तो उस सिचुएशन में उस एरिया की या जो भी ऑफिसर्स उस टाइम पे उस एरिया में एंगेज हैं या इन्वॉल्व हैं उनके लिए भी पार्ट 3 के लिए कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। फिर जो हमारा आर्टिकल 35 है, इसके अंदर पार्लियामेंट को पावर दी है, यहां से पार्लियामेंट अपनी पावर डिराइव करता है किसी भी फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करने के लिए, कोई भी लॉ बनाने की या कोई भी पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करने की पावर पार्लियामेंट को आर्टिकल 35 से मिलती है, ठीक है। लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, यहाँ पर पार्लियामेंट के पास पावर है और लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट के पास नहीं है। पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कोई भी लॉ बना सकता है टू एनफोर्स द प्रिंसिपल्स ऑफ पार्ट 3, ठीक है। पनिशमेंट इम्पोज करनी है तो वो भी कर सकता है। इसके बाद हमारा पार्ट 4 डीपीएसपी है। डीपीएसपी में कुछ भी बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ नाम नाम पढ़ना है और कुछ कुछ आर्टिकल्स हैं डीपीएसपी के जिन पे हम ज्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। पहले तो जो हमारा मेजर चंक है पार्ट 3 वो तो हो गया, पर ये जो आगे के हैं ये भी इम्पॉर्टेंट हैं, और पर हम इनको क्विकली करेंगे, जितना ज्यादा इम्पॉर्टेंट है हम उसके ऊपर ही ज्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। सबसे पहले आर्टिकल 36 में स्टेट की डेफिनेशन क्या होगी? सेम एज आर्टिकल 12, ठीक है। आर्टिकल 12 में जो डेफिनेशन है वही यहाँ पे भी स्टेट है। आर्टिकल 37 बोलता है एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स कंटेन्ड इन दिस पार्ट, इस पार्ट में डीपीएसपी के जो भी प्रिंसिपल्स हैं इनको कोर्ट में हम इन्फोर्स नहीं कर सकते, दिस शैल नॉट बी इन्फोर्सिएबल बाय एनी कोर्ट,
और ये क्या है, बट दीज विल बी फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री. अगर कोई लॉ बना रहा है पार्लियामेंट, तो उसको डीपीएसपी को देखते हुए अपनी पॉलिसी में इंश्राइन करने चाहिए डीपीएसपी. बट डीपीएसपी अलग से कोर्ट्स में इन्फोर्स नहीं होंगे. दिस इज आर्टिकल 37. ऑल्सो मैंने ऊपर आर्टिकल 13 स्किप करा, किसी ने मुझे बताया भी नहीं कि मैंने आर्टिकल 13 स्किप करा है. आर्टिकल 13 जो है वो मैं लास्ट में अमेंडमेंट वाले प्रोविजंस के साथ कराऊंगी. ठीक है, किसी ने नहीं बोला कि आर्टिकल 13 का है मैम, किसी को नहीं पढ़ना है आर्टिकल 13. ठीक है, चलो जो इम्पोर्टेंट डीपीएसपी के प्रोविजंस है वो मैं बताती जाऊंगी साथ में. ठीक है, यू वॉन्ट मी टू जूम दिस अ लिटिल बिट, वन सेकेंड. अभी बेटर दिख रही है पीडीएफ? विशाल, इज द पीडीएफ बेटर नाउ? लेट मी नो. ओके, वरना मैं और जूम कर दूंगी. ठीक है, आर्टिकल 38 पे आते हैं अब हम. स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल. तो स्टेट का क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए? स्टेट की कोशिश हमेशा हमेशा ये होनी चाहिए, स्टेट शैल स्ट्राइव, उसकी कोशिश हमेशा ये होनी चाहिए कि लोगों का वेलफेयर जो है उसके लिए लॉज बनाए. जस्टिस, सोशल एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चीजों को ध्यान में रखते हुए लॉज बनाए. कोई भी लोग हैं जो कि किसी वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, तो ऐसे लॉज बनाएं जिससे कि जो इनइक्वालिटीज है वो मिनिमाइज हो जाए, सबको फैसिलिटीज, सबको अपॉर्चुनिटीज और सबको स्टेटस प्रोवाइड हो. फिर इसके बाद आर्टिकल 39 जो है, ये थोड़ा सा इसमें ये इम्पॉर्टेंट है. इसमें क्या क्या है? सर्टन प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड बाय द स्टेट. क्या क्या फॉलो करना चाहिए? कि मैन एंड वुमेन जो होते हैं उनके पास इक्वल राइट होनी चाहिए टू एडिक्वेट लाइवलीहुड. फिर ओनरशिप जो है, ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ कॉमन गुड्स ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए कि सबके भले के लिए हो. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए. फिर ये जो हमारा है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए बोथ मैन एंड वुमेन के लिए. इसमें ये जो पी सरिता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला केस है, इसके थ्रू इसका इंटरप्रिटेशन करके कोर्ट ने बोला था कि आर्टिकल 14 के अंदर इस प्रिंसिपल को हम अडॉप्ट करते हैं कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो है इट इज अ एसेंशियल पार्ट ऑफ आर्टिकल 14. तो इसको पी सरिता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया से आर्टिकल 14 में इंक्लूड कर लिया था, आर्टिकल 39 क्लॉज डी को. ओके, फिर हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स. लॉज ऐसे बनाओ कि किसी की भी हेल्थ एंड स्ट्रेंथ या किसी के टेंडर एज या किसी की ओल्ड एज पे कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़े. लॉज शुड कीप ऑल ऑफ दोज थिंग्स इन माइंड. बच्चों को अपॉर्चुनिटीज दो कि वो अच्छे से ग्रो कर पाए, उनका यूथ जो है वो अच्छे से बढ़े आगे. फिर हमारा आर्टिकल 39A, ये इंपॉर्टेंट है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की बात करता है. 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था. इसको इंक्लूड किया है हमारे सीआरपीसी में. कौन से सेक्शन से बताओ? फ्री लीगल एड जो है उसका प्रिंसिपल सीआरपीसी के कौन से सेक्शन से इंक्लूड हुआ है? और अगर किसी को पता है तो सीपीसी के भी कौन से ऑर्डर और कौन से रूल में ये प्रिंसिपल है वो भी बताओ मुझे चैट बॉक्स में. किसी को आइडिया है सीपीसी का तो बता दो, अदरवाइज सीआरपीसी तो क्रिमिनल लॉ का पार्ट है. अगर किसी को पता है और क्लैट पीजी में आता है तो यू कैन टेल मी. ओके, फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत आर्टिकल 40, राइट टू वर्क, ये सब छोड़ो. फिर इसके बाद सीधे आर्टिकल 44 जो है हमारा, वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन यूसीसी. कौन सी एक इकलौती स्टेट है जिसमें कौन सी एक इकलौती स्टेट है जिसमें यूसीसी है? सात्विका इज आस्किंग मी, इक्वल वे फॉर इक्वल वर्क इज अ फंडामेंटल राइट. सात्विका, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वेमेन इज अ फंडामेंटल राइट अंडर सब क्लॉज डी ऑफ आर्टिकल 39, बट इट हैज बीन अडॉप्टेड अंडर द इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 14 एंड कंसिडर्ड एज अ फंडामेंटल राइट. ठीक है, आर्टिकल 14 के अंदर उसका अडॉप्शन किया था सुप्रीम कोर्ट ने सात्विका. हाँ, आर्टिकल 300, सेक्शन 304 जो है आपका सीआरपीसी का, वो फ्री लीगल एड की बात करता है. ठीक है, गोवा आपका स्टेट है जहां पर यूसीसी है. ओके, इसके बाद 45 में प्रोविजंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर है. पहले यहाँ पर जो ये एज है ना 6 ईयर्स की, ये पहले 14 ईयर्स थी, क्योंकि अब 14 ईयर्स तक के बच्चों के लिए एजुकेशन मैंडेटरी कर दिया है और उनके लिए बहुत सारे लॉज बन चुके हैं, इसलिए अब इसको 6 ईयर्स कर दिया है चेंज करके.
फिर 46 में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और बैकवर्ड क्लासेस के लिए वो बनाएंगे प्रोविजंस टू अपलिफ्ट देम। यहाँ पर 47 में लेवल ऑफ न्यूट्रिशन रेज करेंगे। फिर 48 थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, यह है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। जितनी भी हमारी काउ स्लॉटर और काउ और ये काउ स्लॉटर से रिलेटेड जो भी बातें होती है ना, वो यहाँ है। ये बोलता है कि काउ स्लॉटर नहीं करना चाहिए, जितने भी काउ काव्स और जो भी मिल्क प्रोड्यूसिंग कैटल्स हैं उन सबको प्रिजर्व करना चाहिए, उनका स्लॉटर नहीं करना चाहिए। दिस इज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 48। फिर 48A इम्पॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट लॉ से रिलेटेड ये आर्टिकल है हमारा। प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। स्टेट को कोशिश करनी चाहिए कि वो हमारा जो कंट्री का क्या है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, एनवायरनमेंट है, उसको प्रोटेक्ट करे, उसको प्रिजर्व करे। फिर 49 है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। जो हमारे इतने सुंदर सुंदर, हमारा जो रिच हेरिटेज है, इतने बढ़िया बढ़िया हमारे मॉन्यूमेंट्स है, उन पे जाके गोदागादी मत करो, उनको खराब मत करो, उनका डिस्ट्रक्शन मत करो, उनका रिमूवल मत करो, उनको स्पॉइल मत करो, डिसफिगर मत करो, ये सब आर्टिकल 49 बोलता है। ऑल्सो ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी भी है। फिर 50, ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। कौन सा कॉन्सेप्ट है सेपरेशन ऑफ पावर का, किसने दिया था, किसी को पता है सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? मॉन्टेस्क्यू ने दिया था ये कॉन्सेप्ट हमारा सेपरेशन ऑफ पावर का, ठीक है। इसके बाद ये यही बोलता है कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के बीच में सेपरेशन होना चाहिए, ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। ओके हाँ ठीक है। फिर प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये आर्टिकल 51 है, ये बोलता है कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करो, जो इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स हैं उनको फॉलो करो, जो आपका क्या है, डेक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, ICCPR है, ICESCR है, उन सबको फॉलो करो, उन सबको प्रमोट करो। ये सब कहाँ से आ रहा है हमारा, 51 से आ रहा है। फ्रेंडली रिलेशनशिप्स रहने दो, ये पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। इससे ऊपर हमने पढ़ा था 48A, वो एनवायरमेंट लॉ के साथ पढ़ा जाता है, इंपॉर्टेंट है, राइट। देवयानी ने बताया है, किस किसने बताया मुझे, मॉन्टेस्क्यू, वेरी गुड गुड गाइज। ओके अब हम आते हैं हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज पे। बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यू ऑल शुड नो व्हाट योर ड्यूटीज आर टुवर्ड्स योर कंट्री, एंड बीइंग अ लॉ स्टूडेंट और पावरफुली हमको इन सारी ड्यूटीज को फुलफिल करना चाहिए और फॉलो करना चाहिए, ठीक है। क्या है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज? इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास एक एक्ट भी है, वो है हमारा फ्लैग कोड जो है, नेशनल फ्लैग कोड जो है, दैट प्रोटेक्ट्स, दैट इंश्योर्स दैट वी रिस्पेक्ट आर नेशनल फ्लैग। ओके इसके बाद टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। इतनी मेहनत से हमारे फ्रीडम स्ट्रगल, हमारा फ्रीडम स्ट्रगल इतनी मेहनत से हुआ, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने इतनी मेहनत से हमारे देश को आजाद कराया। वी शुड चेरिश एंड वी शुड फॉलो जो भी उनके प्रिंसिपल्स थे या जो भी उनकी गाइडलाइंस थी। फिर हमें सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया जो है उसको अपहोल्ड करना चाहिए, उसके फर्दरेंस में काम करना चाहिए। जब भी जरूरत हो वी शुड डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। कभी भी वॉर लाइक सिचुएशन है, कुछ भी है, ऑलवेज डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस। फिर क्या है हमारी ड्यूटी? टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। आलतू फालतू का झगड़ा मत करो, फालतू की कम्युनल टेंशन डोंट स्प्रेड, ऑलवेज प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आर कंपोजिट कल्चर, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी भी थी। कौन से आर्टिकल में थी, अभी पढ़ के आई, कौन से आर्टिकल में थी हमारी DPSP थी ये, कौन से आर्टिकल में? ये हमारी ड्यूटी तो एफ में है, 51A के क्लॉज एफ में, ये हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी दिया हुआ है, ठीक है। हाँ स्वर्ण सिंह कमिटी से फंडामेंटल ड्यूटीज आई हैं 42nd अमेंडमेंट एक्ट से, वेरी गुड नव्या। ओके
इसके लिए हमारा प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ नेशनल मॉन्यूमेंट्स एक्ट भी है, ठीक है। फिर है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, देन टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म, सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, हर तरीके से एक्सीलेंट, हर स्फीयर में एक्सीलेंट बनने की कोशिश करो। अगर आप एक पेरेंट और गार्जियन हो तो अपने बच्चे को स्कूल भेजो। ये आया है फिर से कौन से अमेंडमेंट एक्ट से, 82nd अमेंडमेंट एक्ट से आया था ये, ठीक है, जिससे राइट टू एजुकेशन आया था। ओके अब मैं बहुत ही क्विकली आपको, बहुत ही क्विकली मैं ये यूनियन और स्टेट के प्रोविजंस कराती हूँ। 48A नहीं था मॉन्यूमेंट्स वाला, 48A क्या है, 48A तो एनवायरनमेंट वाला है, ठीक है। फोर्टी नाइन है प्रेजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, ओके। क्वेश्चन ये था कि 51A में जो फंडामेंटल ड्यूटी है टू प्रिजर्व द मॉन्यूमेंट्स, वो मैंने क्या बोला, 86 नहीं बोला गया, 86 अमेंडमेंट से के क्लॉज ऐड हुआ था, मैंने कुछ और बोला है तो आई एम वेरी सॉरी, ठीक है। चलो अब हम यूनियन और स्टेट पे जाते हैं, फिर से बोलूंगी जिसने भी लाइक नहीं किया है फटाफट फटाफट लाइक करो, ओके। यूनियन और स्टेट क्या है, हमारा शुरू होता है आर्टिकल 52 से। पहले यूनियन में क्या क्या आता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आएगा यूनियन में, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आएगा यूनियन में, फिर आपका पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का स्टैब्लिशमेंट, स्पीकर कौन होता है, डेप्यूटी स्पीकर कौन होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। बिल कैसे बनते हैं, बिल कैसे पास होते हैं, मनी बिल क्या होता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, ये सब कुछ है हमारा पार्ट 5 द यूनियन में, ठीक है। इसके बाद जो हमारा पार्ट 6 जो स्टेट है, इसमें क्या है, पार्ट 6 जो स्टेट है इसमें गवर्नर कौन होता है, फिर वही सेम चीजें, स्टेट लेजिस्लेचर कैसे होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होती है, बिल स्टेट में कैसे पास होते हैं। अच्छा, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट होता है और यहाँ पे हाई कोर्ट आता है पार्ट 6 में, ठीक है। मैंने इन दोनों का एक कंपैरेटिव सॉर्ट ऑफ बनाया है जिससे क्विकली हो जाए हमारा, ओके। आर्टिकल 52, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फिर यहाँ क्या है, 153 में कौन होता है, गवर्नर ऑफ स्टेट्स होता है, तो हर स्टेट के लिए गवर्नर होगा, पर यहाँ पे एक प्रोविजो है कि दो या दो से ज्यादा स्टेट्स के लिए भी एक गवर्नर को अपॉइंट किया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि हर स्टेट के लिए एक गवर्नर हो, ओके। टू और मोर स्टेट्स के लिए भी एक गवर्नमेंट अपॉइंट हो सकती है, एक गवर्नर अपॉइंट हो सकता है, ओके। फिर एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, प्रेसिडेंट क्या होता है, सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस फोर्सेज होता है। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट किसके पास होती है, वो गवर्नर के पास होती है। यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट के पास होती है आर्टिकल 53 में, और इसमें गवर्नर के पास आर्टिकल 154 में। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैसे होता है, 154 में इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के, और इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, वो मिलके इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को। बैलेट के फॉर्म में होता है, सीक्रेट होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होता है, ये सब दिया है इसमें। फिर 155 में अपॉइंटमेंट होता है, गवर्नर का इलेक्शन नहीं होता है, गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 56 में दिया है, कितना होता है, 5 साल का होता है। रिजाइन किसको करेगा, वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन करेगा, और इसका रिमूवल या इम्पीचमेंट हो सकता है, किस ग्राउंड पे हो सकता है, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हो सकता है, ठीक है। और जब ये रिजाइन कर रहा है तो इसने जो अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को दिया है, वाइस प्रेसिडेंट जाके स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल को कम्युनिकेट करेगा कि प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया है, ठीक है। फिर इसके बाद टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर क्या होता है, ऑब्वियसली 5 साल, पहले तो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट होता है, पर प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के साथ साथ 5 ईयर्स भी होता है, और रिजाइन किसको करेगा, प्रेसिडेंट को रिजाइन करता है गवर्नर। फिर क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कौन बन सकता है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 साल का होना चाहिए, हाउस ऑफ पीपल में इलेक्ट होने के लिए क्वालिफाई होना चाहिए। हाउस ऑफ पीपल क्या है, हमारा लोकसभा है, ठीक है। फिर क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज अ गवर्नर, गवर्नर कौन बन सकता है, सिटीजन ऑफ इंडिया, 35 साल की उम्र,
ठीक है, इसके लिए लोकसभा या राज्यसभा में अपॉइंटमेंट के लिए क्वालिफाइड होना जरूरी नहीं है, बट प्रेसिडेंट शुड बी क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। ये प्रेसिडेंट अगर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है तो वो इंसान प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। अगर प्रेसिडेंट बन गया है तो उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अपना रिजाइन करना पड़ता है या छोड़ना पड़ता है। ओके, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता है अगर आप किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में हो, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर हो या कोई भी जॉब आप कर रहे हो, सब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता है, वो छोड़ना पड़ता है वंस यू आर अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट। ओके, फिर कंडीशंस क्या होती हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर्स के ऑफिस की? वो किसी भी उसका मेंबर नहीं होना चाहिए पार्लियामेंट का या लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट का। उसके जो भी इमोल्यूमेंट्स और अलाउंसेस हैं वो कम नहीं होंगे ड्यूरिंग हिज ऑफिस। सेम है गवर्नर की भी, कि उसका भी लेजिस्लेचर का या पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होना चाहिए, और अगर है तो ही शैल रिजाइन एट द टाइम ही इज अपॉइंटेड एज द गवर्नर और प्रेसिडेंट, और एक्चुअली बिफोर ही इज अपॉइंटेड। ओके, ओथ और अफर्मेशन। आर्टिकल 60 में प्रेसिडेंट किसको देता है ओथ? सुप्रीम कोर्ट के जज को देता है, चीफ जस्टिस को देता है, और अगर चीफ जस्टिस नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज को देता है प्रेसिडेंट ओथ। गवर्नर किसको ओथ देता है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को ओथ देता है या सीनियर मोस्ट जज ऑफ हाई कोर्ट को ओथ देता है आर्टिकल 159 में। फिर आर्टिकल 61 में होता है प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट। प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट का एक प्रॉपर प्रोसीजर है, आप इतनी आसानी से प्रेसिडेंट को इम्पीच नहीं कर सकते हो। टिल नाउ नो प्रेसिडेंट हैज बीन इम्पीच्ड इन इंडिया, बट व्हाट इज द प्रोसीजर, विल जस्ट हैव अ लुक एट इट। पहले तो चार्ज लाया जाएगा एक प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के लिए, इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में लाया जा सकता है या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, हाउस ऑफ पीपल या काउंसिल ऑफ स्टेट्स, कहीं पे भी चार्ज लाया जा सकता है। जिस भी हाउस में चार्ज लाया जाएगा वो हाउस में पहले एक नोटिस दिया जाएगा 14 दिन का कि वी आर गोइंग टू ब्रिंग अ रेजोल्यूशन फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, एंड दिस नोटिस शुड बी साइंड बाय नॉट लेस देन 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस। हाउस के जितने भी मेंबर्स हैं उसमें से 1/4 लोगों को ये नोटिस साइन करना होगा। उसके बाद ये रेजोल्यूशन लाया जाएगा उस हाउस में, और फिर वो हाउस जो है वो उस रेजोल्यूशन को पास करेगा बाय अ टोटल मेजोरिटी एंड 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। ये चीज यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या है यहाँ? मेजोरिटी है और 2/3 ऑफ द टोटल मेजोरिटी है, 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग नहीं है, 2/3 टोटल मेजोरिटी की बात हो रही है, टोटल मेंबरशिप की बात हो रही है। ओके, फिर जब वहां पे ये पास हो गया, जब एक हाउस से ये पास हो गया तो जो दूसरा हाउस है वो हाउस इसको इन्वेस्टिगेट करेगा चार्ज को, और अगर उसको और प्रेसिडेंट को एक अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देगा, और उसके बाद अगर उसको लगता है कि ये चार्ज वैलिड है तो वो फिर से इसको 2/3 ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द हाउस और मेजोरिटी दोनों के साथ पास करेगा, और उसके बाद प्रेसिडेंट इम्पीच हो जाएगा, मतलब प्रेसिडेंट को हम रिमूव कर देंगे। ओके, नो, सेम प्रोसीजर इज नॉट देयर फॉर सुप्रीम कोर्ट जजेस। प्रखर कुमार बेटा, सेम प्रोसीजर नहीं है सुप्रीम कोर्ट जजेस का, अलग है। अभी सुप्रीम कोर्ट जजेस पे आएंगे तो आपको मैं बताऊंगी और आप देखोगे सेम नहीं है। यहाँ पे हमें मेजोरिटी ऑफ द हाउस चाहिए और 2/3 मेजोरिटी ऑफ द हाउस चाहिए, 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग नहीं चाहिए। रिमेंबर दैट दिस इज अ स्पेशल रेजोल्यूशन, ऐसा और कहीं नहीं है, सिर्फ आर्टिकल 61 में ही है। ठीक है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट अलग होता है, इम्पीचमेंट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज का प्रोसीजर स्लाइटली डिफरेंट है। ओके, फिर है हमारा आर्टिकल 62। इसमें क्या बोला है कि इलेक्शन कब करा जाएगा? प्रेसिडेंट की जो टेन्योर है वो एक्सपायर होने से पहले इलेक्शन हो जाएगा, और अगर बीच में प्रेसिडेंट किसी भी रीजन से प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेंट होता है, अगर वो मर जाता है या उसको रिमूव किया जाता है, उसका इम्पीचमेंट होता है, वट एवर, उस सिचुएशन में फटाफट इलेक्शन कराया जाएगा 6 महीने के अंदर, और ये जो प्रेसिडेंट जो नया अपॉइंट होगा ये फिर से पूरे 5 साल का टेन्योर सर्व करेगा। अब 71 में है, अगर प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट या कोई भी डाउट अराइज होता है तो उस सिचुएशन में कौन इसके ऊपर डिसीजन देगा? सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देगा, सुप्रीम कोर्ट इस पर डिसीजन देगा। बट अगर इलेक्शन वॉइड डिक्लेयर हो गया है तो उससे कोई भी एक्ट जो पहले से प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट ने किए हैं वो एक्ट्स वॉइड नहीं होंगे, वो एक्ट्स वैलिड रहेंगे। ओके,
अब 72 में है प्रेसिडेंट की पावर टू ग्रांट पार्डन्स, सस्पेंड रेमिट और कम्यूट सेंटेंसेस इन सर्टेन केसेस. कैसे कैसे क्या क्या कर सकता है प्रेसिडेंट जब भी कोई जजमेंट आया है, कोर्ट मार्शल ने दिया है या किसी भी कोर्ट ने दिया है इंडिया के, इन क्या यूनियन से रिलेटेड जो लॉ है उससे रिलेटेड है अगर, और उसके ऊपर कोई जजमेंट आया है, कोर्ट मार्शल ने कोई जजमेंट दिया है, उस सिचुएशन में प्रेसिडेंट के पास एक पेटिशन लगाई जा सकती है या फिर डेथ का सेंटेंस है. ठीक है, तीन चीजें, सेंटेंस ऑफ डेथ है, यूनियन की पावर्स में जो लॉ है उससे रिलेटेड जजमेंट है, या कोर्ट मार्शल ने कोई जजमेंट दिया है. उस सिचुएशन में प्रेसिडेंट के पास पेटिशन जा सकती है फॉर पार्डन, रेमिशन, सस्पेंशन और कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस, और प्रेसिडेंट कर सकता है. सिमिलर पावर हमारे गवर्नर के पास है, आर्टिकल 161 के अंदर है. और ये कौन से लॉज के लिए कर सकता है? टू द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, जहां पे स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर की बात है उस सिचुएशन में गवर्नर के पास पावर है, जहां पे यूनियन के एग्जीक्यूटिव पावर की बात है, कोर्ट मार्शल का जजमेंट है या फिर डेथ सेंटेंस है, वहां पर प्रेसिडेंट के पास पावर है. ओके. फिर एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन क्या होता है? जो भी पार्लियामेंट के पास पावर है वहां तक प्रेसिडेंट की पावर जाती है, जो भी गवर्नर के पास पावर है वहां तक स्टेट के, जो भी स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है वहां तक गवर्नर की पावर जाती है 162 में. फिर अब हम आते हैं ऑर्डिनेंस के ऊपर. ठीक है, ऑर्डिनेंस थोड़ा इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर 123 में प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस निकालता है और 213, 123 में प्रेसिडेंट, 213 में गवर्नर. ठीक है, ऑर्डिनेंस कब पास होता है? गवर्नर या प्रेसिडेंट दोनों ऑर्डिनेंस सिर्फ तब निकाल सकते हैं जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है या फिर यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो हमारी है वो सेशन में नहीं है. ओके, उस सिचुएशन में ऑर्डिनेंस पास होता है. और उस टाइम पे अगर और उस टाइम पर अगर क्या बोल रही थी, पार्डन, क्या बात कर रहे थे हम, वन सेकेंड. हाँ, ऑर्डिनेंस कब पास होता है? जब पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में नहीं है, उस सिचुएशन में अगर उनको लग रहा है कि सर्कमस्टांसेस ऐसे एग्जिस्ट करते हैं कि नेसेसरी है टू ब्रिंग आउट अ लॉ, तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास करता है. और वो ऑर्डिनेंस की क्या ड्यूरेशन होती है? ऑर्डिनेंस की ड्यूरेशन होती है 6 हफ्ते. ओके, 6 महीने तक ऑर्डिनेंस नहीं रहता है. अगर ये बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि 6 मंथ्स तक ऑर्डिनेंस चलता है, वो इसलिए होता है क्योंकि इन इफेक्ट वैसा हो जाता है, नेक्स्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट जब तक आता है तब तक 6 मंथ्स हो जाते हैं. अदरवाइज ऑर्डिनेंस सिर्फ चलता है अब जैसे ही पार्लियामेंट सेशन में आता है उसके सिर्फ 6 वीक्स तक ऑर्डिनेंस ऑपरेशन में रहता है. तो एज सून एज द पार्लियामेंट इज ब्रॉट इन सेशन, द ऑर्डिनेंस शैल बी लेड बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड इट शैल सीज टू ऑपरेट एट द एक्सपायरेशन ऑफ 6 वीक्स फ्रॉम द रीअसेंबली, या फिर उससे पहले भी सीज हो सकता है इफ इट इज डिसअप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट किस चीज पे ऑर्डिनेंस बना सकता है? सिर्फ उन लॉज से रिलेटेड लॉज पे प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस बनाएगा जिस जहां तक पार्लियामेंट की पावर एक्सीड होती है. ठीक है, और गवर्नर पे हम आते हैं. गवर्नर कैसे, किस चीजों पे ऑर्डिनेंस बना सकता है? गवर्नर किसी भी ऐसी चीज पे ऑर्डिनेंस बना सकता है जहां पे स्टेट की लेजिस्लेटिव पावर एक्सटेंड होती है, बट उन सिचुएशंस में जहां पर जो बिल है उसके लिए प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट की जरूरत थी, या फिर जहां पर जो बिल है वो जरूरी था कि उसको रिजर्व किया जाता फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, या जहां पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने बिल को रखा होता फॉर द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. उन तीनों सिचुएशंस में गवर्नर ऑर्डिनेंस सिर्फ तब पास करेगा जब प्रेसिडेंट उसको इंस्ट्रक्शंस दे कि आप एक ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करो. गवर्नर जो ऑर्डिनेंस पास करता है वो भी सिमिलरली 6 वीक्स तक रहता है एज सून एज द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट और द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट कम्स इन सेशन, उसके सामने ऑर्डिनेंस रखा जाएगा और उसके सेशन में आने के 6 हफ्ते के अंदर अंदर, 6 हफ्ते के एक्सपायरेशन पे ऑर्डिनेंस लैप्स हो जाएगा अनटिल एंड अनलेस इट इज डिसअप्रूव्ड अर्लियर. तो पहले भी वो डिसअप्रूव हो जाएगा. ओके, अब हमने पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, पावर्स ऑफ गवर्नर देख लिया है. अब जल्दी से हम एक वाइस प्रेसिडेंट भी देख लेते हैं कि कहाँ होता है. आर्टिकल 63 में वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट होता है, देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट. वाइस प्रेसिडेंट कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट होता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा.
राज्यसभा का चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट होता है। ओके ओके ठीक है। फिर इसके बाद इलेक्ट कौन करता है वाइस प्रेसिडेंट को? हाँ, आर्टिकल 64 के प्रोविजन में ये भी दिया है कि अगर प्रेसिडेंट नहीं है, प्रेसिडेंट छुट्टी पे है, प्रेसिडेंट सिक है, प्रेसिडेंट इज अनेबल टू डिस्चार्ज द फंक्शंस ऑफ हिज ऑफिस, इन दैट सिचुएशन द चेयरमैन और द वाइस प्रेसिडेंट विल डिस्चार्ज द फंक्शंस ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। उस टाइम पे वो चेयरमैन की तरह एक्ट नहीं करेगा, उस टाइम पे वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेगा। फिर इलेक्शन कैसे होता है वाइस प्रेसिडेंट का? ही इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो भी हैं, इलेक्टेड हैं चाहे नॉमिनेटेड हैं, वो दोनों ही वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। फिर बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होगा, सीक्रेट बैलेट के थ्रू इलेक्शन होगा। और एलिजिबिलिटी क्या है, कौन बन सकता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? सिटीजन होना चाहिए, 35 ईयर्स का होना चाहिए, क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। प्रेसिडेंट क्या होना चाहिए? प्रेसिडेंट क्या यहाँ पे क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ व्हाट? प्रेसिडेंट को कौन सी उसका कौन से हाउस का मेंबर होने के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए बताना मुझको, ठीक है? अभी ऊपर पढ़ा था हमने, चैट बॉक्स में बताना। फिर टर्म क्या होता है वाइस प्रेसिडेंट का? 5 ईयर्स। रेजिग्नेशन किसको देगा? प्रेसिडेंट को देगा। इसका रिमूवल कैसे होता है? इसका रिमूवल होता है कि काउंसिल ऑफ स्टेट जो है वो एक मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास, पहले 14 दिन का नोटिस देगी कि वो उसका इंटेंशन है टू मेक अ रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। वो जो जो नोटिस है वो जब अप्रूव हो जाएगा, उसके बाद काउंसिल ऑफ स्टेट एक मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास करेगी फॉर रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। और जो आपका हाउस ऑफ पीपल है वो इस रेजोल्यूशन को अगर अप्रूव कर देगा तो रिमूवल हो जाएगा प्रेसिडेंट का। हाँ, जो प्रेसिडेंट है, जो हमारा प्रेसिडेंट है, वो क्वालिफाइड होना चाहिए टू बी अ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल विच इज लोकसभा, ठीक है? आर्टिकल 68 में अगर वैकेंसी आने वाली है वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में तो इलेक्शन होना चाहिए बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म। अगर वो डेथ या रेजिग्नेशन या रिमूवल या कुछ होता है तो उस सिचुएशन में जो क्या है इलेक्शन है वो एज सून एज पॉसिबल होना चाहिए और वो फ्रेश टर्म सर्व करेगा। वाइस प्रेसिडेंट ओथ देता है प्रेसिडेंट को आर्टिकल 69 के अंडर, ठीक है? फिर हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर्टिकल 74। क्या है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा जिसमें प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड करेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, और प्रेसिडेंट जो है वो एड एंड एडवाइस, प्राइम मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पे काम करेगा। इसका प्रोविजो जो है उसमें लिखा है कि प्रेसिडेंट सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पर ही काम करेगा। और क्या एडवाइस दी गई थी? वो एडवाइस जो है वो कभी भी कोर्ट में नहीं क्वेश्चन की जाएगी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की क्या एडवाइस थी, ठीक है? फिर आर्टिकल 75 है, अदर प्रोविजन एज टू मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर जो है उसको कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट। और बाकी के जो मिनिस्टर्स हैं उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स कितने हो सकते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल में मैक्सिमम 550 मेंबर्स हो सकते हैं, उसके 15% से ज्यादा मिनिस्टर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में नहीं हो सकते, ओके? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होता है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है उसको ओथ कौन एडमिनिस्टर करेगा? प्रेसिडेंट ओथ एडमिनिस्टर करेगा इन अकॉर्डेंस विथ थर्ड शेड्यूल। मिनिस्टर कौन सा मिनिस्टर है जो कि नहीं रहेगा एट आफ्टर अपॉइंट अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हु फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 consecutive months इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट शैल एट द एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड सीज टू बी अ मिनिस्टर। कोई अगर काउंसिल ऑफ स्टेट्स का या हाउस ऑफ पीपल का, दोनों का मेंबर नहीं रह गया है और 6 महीने से नहीं है तो फिर वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मेंबर भी नहीं रहेगा, ठीक है? फिर अब स्टेट में क्या होता है? स्टेट में भी सिमिलर प्रोविजंस है। 163 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को गवर्नर हेड करेगा, जो चीफ मिनिस्टर है उसकी एड एंड एडवाइस पे गवर्नर एक्ट करेगा, ओके? इसके बाद मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ इसमें,
ये भी सिमिलर है कि स्टेट में भी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी जिसको चीफ मिनिस्टर हेड करेगा, उसको चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट गवर्नर करेगा, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं बाकी के उनका अपॉइंटमेंट गवर्नर विद द एड एंड एडवाइज ऑफ चीफ मिनिस्टर करेगा। यही सब है। जो टोटल नंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो 15% से ज्यादा नहीं होने चाहिए ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, बट यहाँ पर एक प्रोविजो है स्टेट वाले उसमें कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसमें 12 से कम लोग नहीं होंगे, मिनिमम 12 लोग होंगे स्टेट की, किसी भी स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मिनिमम 12 लोग होंगे। ओके, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों की ऑफिस में ऑफिस कौन होल्ड करेगा? होपफुली ऐसी सिचुएशन अराइज नहीं होगी कि प्रेसिडेंट भी ना हो और वाइस प्रेसिडेंट भी ना हो। वाइस प्रेसिडेंट की पोजिशन मेजरली इसीलिए होती है कि प्रेसिडेंट का ऑफिस अगर वेकेंट है तो वाइस प्रेसिडेंट उसका ऑफिस होल्ड करे। ओके, ऐसा कोई प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है कि दोनों का ऑफिस वेकेंट होगा तो प्रेसिडेंट का ऑफिस कौन होल्ड करेगा। ठीक है, ओके। हाँ, फिर हमारा, एक सेकेंड, आई एम मिस्ड, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, उसको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन हो सकता है? शुड बी क्वालिफाइड, क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ओके, क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये सारे कोर्ट्स में जो हमारी यूनियन है उसको रिप्रेजेंट कर सकता है अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। और सिमिलरली एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया का प्रोविजन हमारा है 165 में, आर्टिकल 165 में एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया है, इसको गवर्नर अपॉइंट करेगा। ये कौन होना चाहिए? क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ द हाई कोर्ट। ये स्टेट से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं उन सब में रिप्रेजेंट कर सकता है स्टेट को किसी भी कोर्ट के सामने। ओके, कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस आर्टिकल 77, जितना भी बिजनेस या जो भी एक्टिविटीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी इट शैल बी डन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है आर्टिकल 78 के अंदर कि कोई भी जो भी डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने लिया है वो उसको कम्युनिकेट करेगी प्रेसिडेंट को। ठीक है, फिर अब हम आ जाते हैं पार्लियामेंट में। सिमिलरली स्टेट में भी कंडक्ट ऑफ बिजनेस किसके नाम पे होगा? गवर्नर के नाम पे होगा। जो चीफ मिनिस्टर होगा वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो भी डिसीजन है या जो भी उनका कॉन्वर्जेशन है वो कम्युनिकेट करेगा गवर्नर को। ओके, अब पार्लियामेंट आर्टिकल 79, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट में कौन कौन होता है। पार्लियामेंट में कौन कौन होता है बताना चैट में, क्या क्या होता है जो पार्लियामेंट को कॉम्प्रोमाइज करता है? व्हाट इज पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ द यूनियन इज प्रेसिडेंट एंड द टू हाउसेस, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, हाउस ऑफ पीपल। प्रेसिडेंट प्लस हाउस ऑफ पीपल प्लस काउंसिल ऑफ स्टेट्स, तीन को मिला के पार्लियामेंट बनता है। सिर्फ काउंसिल ऑफ स्टेट्स और सिर्फ हाउस ऑफ पीपल से पार्लियामेंट नहीं बनता है। ओके, कॉम्पोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल में स्टेट से 530, 81 में है कॉम्पोजिशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल। स्टेट से 530 मेंबर्स होंगे और 20 मेंबर्स होंगे यूनियन टेरिटरीज में से। ओके, टोटल 550 मेंबर्स होते हैं हाउस ऑफ पीपल में। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर में, स्टेट लेजिस्लेचर जो होता है, हाँ, हर स्टेट में एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी। हर स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होती है पर हर स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। सिर्फ आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, बाकी सब में सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो जो लेजिस्लेचर इन स्टेट है वो क्या, उसमें कौन कौन होते हैं? गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब कॉम्पोजिशन, और इसमें जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसका अबॉलिशन या क्रिएशन हो सकता है आर्टिकल 169 के अंडर। वो कब होता है? अगर जो स्टेट असेंबली है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, वो 2/3 रेजोल्यूशन से, कहाँ है, हाँ, 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द असेंबली प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो भी प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स ऑफ द असेंबली हैं उनके 2/3 रेजोल्यूशन से, अगर वो 2/3 रेजोल्यूशन से अबॉलिश करना चाहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल या क्रिएट करना चाहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो वो एक रेजोल्यूशन पास करेंगे। उस रेजोल्यूशन के बेसिस पे पार्लियामेंट क्रिएट करेगा किसी भी स्टेट में
लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, अब कॉम्पोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट में कैसा रहता है? मैक्सिमम 500 मेंबर्स हो सकते हैं और मिनिमम 60 मेंबर्स हो सकते हैं। यहाँ पे हमारे कितने थे, हाउस ऑफ पीपल में 550 मेंबर्स होते हैं, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में ऐसे प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है, अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट इट कैन वेरी, बट मैक्सिमम 500 होते हैं और मिनिमम 60 होते हैं। ओके, अब हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल में कौन, हमारी काउंसिल ऑफ स्टेट्स में कौन होता है? आर्टिकल 80 में 12 मेंबर्स होते हैं जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है ऑन द ग्राउंड ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस, और बाकी के 238 रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। इनका कैसे इलेक्शन होता है, इनका कैसे सिलेक्शन होता है? जितने भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं वो सब वाया इलेक्शन सिलेक्ट करते हैं ये 238 रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ओके, ठीक है, फिर कॉम्पोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट कैसे होता है? 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली से ज्यादा नहीं होंगे। यहाँ पे हमारा फिक्स है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स में 250 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उसमें 1/3 ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली से ज्यादा नहीं होते हैं, और किसी भी केस में 40 से कम नहीं हो सकते, मिनिमम 40 होते हैं, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो होती है वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है, सिर्फ हाउस ऑफ पीपल का डिसॉल्यूशन होता है। हाउस ऑफ स्टेट का, हाउस ऑफ पीपल का डिसॉल्यूशन हर 5 साल में होता है, और काउंसिल ऑफ स्टेट्स के जो भी मेंबर्स होते हैं 1/3 मेंबर्स का हर दूसरे साल रिटायरमेंट होता है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है, दिस इज आर्टिकल 83। फिर क्वालिफिकेशन क्या होते हैं फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट? सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, और एक ओथ देगा वो इलेक्शन कमीशन के सामने कि ही वॉन्ट्स टू बी अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एंड इट इज जेन्युइन, और ऐसे सब वो ओथ का फॉर्म दिया हुआ है 3rd शेड्यूल में। फिर काउंसिल ऑफ स्टेट्स का अगर आपको मेंबर बनना है तो 30 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए, और हाउस ऑफ पीपल का बनना है तो मिनिमम 25 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए, एंड अदर सच क्वालिफिकेशन जो पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब करे। सिमिलर है स्टेट के अंदर भी, स्टेट में अगर आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल का बनना है तो 30 ईयर्स, और अगर स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर बनना है तो मिनिमम एज इज 25 ईयर्स। ऑल्सो यू शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड अदर सच क्वालिफिकेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द पार्लियामेंट। ओके, फिर आर्टिकल 85 में पार्लियामेंट को सेशन में बुला सकता है, प्रोरोगेशन कर सकता है और डिसॉल्यूशन कर सकता है। कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट कर सकता है। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को कभी भी समन कर सकता है, बट दो सेशंस के बीच में 6 महीने का गैप नहीं होना चाहिए। कोई मुझे बताएगा कि जो हमारे हमारे जो पार्लियामेंट के सेशंस होते हैं उनका क्या नाम है, और 1 साल में कितने सेशंस होते हैं यूजुअली इन द रेगुलर कोर्स, बताओ चैट बॉक्स में। ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर भी सेम है, 5 साल में लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व होती है। अगर कहीं काउंसिल ऑफ स्टेट है, लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर है, नॉट काउंसिल ऑफ स्टेट, अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल कहीं है तो इट शैल नॉट बी डिसॉल्व, 1/3 मेंबर्स जो हैं वो एवरी 2nd ईयर रिटायर होंगे। ओके, प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो कभी भी पार्लियामेंट्स को एड्रेस कर सकता है, कभी भी उनको लेटर्स भेज सकता है, किसी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कशन करना है तो उसके लिए एक लेटर एड्रेस करके पार्लियामेंट को फिर समन कर सकता है। ओके, फिर ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट, जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स होती है उसमें चेयरमैन होता है, चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट होता है, और एक डेप्यूटी चेयरमैन होता है। डेप्यूटी चेयरमैन को जो मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स होते हैं वो मिलके अपॉइंट करते हैं। जो डेप्यूटी चेयरमैन होता है वो रेजिग्नेशन देता है चेयरमैन को, जो चेयरमैन होता है जो बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट होता है वो रेजिग्नेशन देता है प्रेसिडेंट को। उसके बाद अगर ये मेंबर ऑफ द काउंसिल नहीं है तो फिर ये चेयरमैन या चेयरमैन नहीं, डेप्यूटी चेयरमैन नहीं रहेगा, और बस यही सब है, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारा हाउस ऑफ पीपल होता है उसमें स्पीकर होता है और डेप्यूटी स्पीकर होता है, दोनों को जो मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ पीपल होते हैं वो मिलके इलेक्ट करते हैं या चूज करते हैं, ठीक है। वो दोनों एक दूसरे को रेजिग्नेशन दे सकते हैं, उनका रिमूवल अगर करना है तो फिर रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है इन दी हाउस ऑफ पीपल, या अगर चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन है तो इन दी काउंसिल ऑफ स्टेट। सिमिलर प्रोविजन इज देयर फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल।
दो सेशन नहीं होते बेटा, तीन सेशन होते हैं यूजुअली, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन, और जो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में होता है उसको हम कहते हैं बजट सेशन। ठीक है। दिस कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, आर्टिकल 99 में जो भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो ओथ देते हैं प्रेसिडेंट को। आर्टिकल 100 में एक चीज थोड़ी सी देख लो कि अगर कोरम नहीं होगा, इफ द कोरम इज नॉट प्रेजेंट, वोटिंग इन द हाउसेस, पावर ऑफ हाउसेस टू एक्ट नॉट विद स्टैंडिंग वैकेंसीज एंड कोरम, बट इफ द कोरम इज नॉट प्रेजेंट। कोरम क्या होता है? कोरम होता है एटलीस्ट 1/10 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस, टोटल नंबर ऑफ द हाउस के मेंबर्स का 1/10 जो होता है, दैट कॉन्स्टिट्यूट द कोरम फॉर एनी हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर। वो अगर प्रेजेंट नहीं है तो चेयरमैन या स्पीकर अडजर्न कर सकता है या सस्पेंड कर सकता है मीटिंग ऑफ द हाउस जब तक कि कोरम नहीं क्रिएट हो जाता। ओके। फिर है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। कौन डिस्क्वालिफाई हो जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने से? अगर वो दोनों, या तो वो दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर है या फिर किसी स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर है, और वो कोई एक सीट को वैकेट नहीं करता है, खुद से रिजाइन नहीं करता है, तो फिर वो उसकी जो करंट सीट है या जहाँ पे वो न्यूली इलेक्टेड है वो सीट उसकी वैकेंट हो जाएगी। अगर स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर है तो उसकी पार्लियामेंट की सीट वैकेंट हो जाएगी। ओके। अगर वो खुद से नहीं छोड़ता है तो, और या फिर अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है अंडर आर्टिकल 102 तो उसकी सीट वैकेंट हो जाएगी, या फिर वो रिजाइन कर देता है चेयरमैन के पास या स्पीकर के पास तो उसकी सीट वैकेंट हो जाएगी। अगर वो 60 डेज तक एबसेंट था सारी पार्लियामेंट्री मीटिंग्स में और सारे पार्लियामेंट के सेशंस में, देन ऑल्सो हिज सीट विल बी वेकेटेड। ओके। अब मुझे बताओ, जो हमारा डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिफेक्शन है वो कौन से शेड्यूल में है? थैंक यू अनुश्री। कौन से शेड्यूल में है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिफेक्शन? सेशन आई थिंक 1 घंटा और चलेगा, आई ट्राई टू खत्म एवरीथिंग इन 1 मोर आवर। ओके प्रखर। ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप आर्टिकल 102, इसमें बोला है कि अगर कोई भी मेंबर है हाउस ऑफ पार्लियामेंट का वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है, या वो अनसाउंड माइंड का है, या अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, या सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, या बाद में उसने किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप अक्वायर कर ली है, तो फिर वो डिस्क्वालिफाई, या फिर किसी लॉ के अंडर वो डिस्क्वालिफाइड है टू बी अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, देन ही विल बी डिस्क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। इसका जो क्लॉज 2 है, 102 का क्लॉज 2, वेरी गुड, 10th शेड्यूल, उसी का प्रिंसिपल यहाँ पे दिया है कि अगर कोई 10th शेड्यूल के अंडर डिस्क्वालिफाइड है, देन ऑल्सो ही इज डिस्क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर कोई क्वेश्चन रेज होता है तो आर्टिकल 103 में प्रेसिडेंट का डिसीजन फाइनल होता है। प्रेसिडेंट डिसीजन कैसे लेता है? इलेक्शन कमीशन का ओपिनियन लेके प्रेसिडेंट ये डिसीजन लेता है। 105 इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के ऊपर है ये सेक्शन और बहुत सारे केसेस में डिस्कस भी होता है। ओके। 105 में बोलता है कि अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पार्लियामेंट के अंदर कोई डिस्कशन कर रहा है, या पार्लियामेंट की किसी प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, या पार्लियामेंट में वोट करने के लिए कोई काम कर रहा है, उस सिचुएशन में वो जो भी करता है दैट इज ऑल प्रिवेंटेड एंड दैट इज ऑल क्या बोलते हैं, ही इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रोसीडिंग इन दैट सिचुएशन। ओके। दैट इज आर्टिकल 105। इसी से रिलेटेड केस है आपका एक, पीवी नरसिम्हा राव वाला। ठीक है, नरसिम्हा राव वाला केस है, मैं नहीं लिख रही हूँ, नरसिम्हा राव वाला जो केस है वो इसी से रिलेटेड है, जिसमें कोर्ट ने बोला था कि वोटिंग के लिए ब्राइबरी अगर आपने ली है, अगर आपने, ओके विशाल, अगर आपने ब्राइबरी ली है तो भी, और आपने वोटिंग के लिए ब्राइबरी ली है या पार्लियामेंट के किसी कंडक्ट में ब्राइबरी ली है, देन ऑल्सो यू आर अलाउड द प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 105, और आपको क्या नहीं मिलेगा, यू विल नॉट बी प्रोसिक्यूटेड फॉर इट एंड यू विल नॉट बी कन्विक्टेड फॉर इट। दैट वॉज पीवी नरसिम्हा राव वाला केस। करेंटली अंडर रिव्यू, 7 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज रिव्यूइंग दिस जजमेंट राइट नाउ। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये जजमेंट चेंज हो जाए। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं लेजिस्लेटिव प्रोसीजर पे। कैसे लेजिस्लेटिव, देखो अब ये जो स्टेट के प्रोविजन है इनको मैं स्किप करती जा रही हूँ बिकॉज मोस्ट ऑफ दोज आर सिमिलर,
ऑल्सो आई डोंट थिंक स्टेट इज सो इम्पॉर्टेंट. अगर आपको यूनियन के प्रोविजंस पता है सिमिलर होंगे. आर्टिकल्स अगर आपको स्पेसिफिकली याद करने हैं तो ये पीडीएफ तो वैसे भी आपको अवेलेबल हो ही जाएगी. आप आर्टिकल्स अपने साइड से याद कर सकते हो. ओके, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर पे हम आते हैं. बिल्स कैसे प्रेजेंट होते हैं पार्लियामेंट के सामने और बिल्स कैसे पास होते हैं. आर्टिकल 107 जो है दैट टेल्स यू प्रोविजन हैज टू इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल्स. तो कोई भी बिल अदर देन मनी बिल या फाइनेंशियल बिल. मनी बिल और फाइनेंशियल बिल जो है वो सिर्फ हाउस ऑफ पीपल में ओरिजिनेट हो सकता है. पर उसके अलावा अगर कोई भी बिल है तो दोनों में से किसी भी हाउस में ओरिजिनेट हो सकता है. फिर एक हाउस बिल पास करके दूसरे हाउस के पास भेजेगा. दोनों हाउसेज जब अग्री कर जाएंगे बिल पे तो उस सिचुएशन में बिल पास होके एक्ट बन जाएगा. पर अगर बिल पेंडिंग है पार्लियामेंट में तो सिर्फ इस वजह से कि प्रोरोगेशन या एडजर्नमेंट ऑफ द हाउस हो गया, इस वजह से बिल जो है वो लैप्स नहीं होगा. पर अगर जो बिल है वो पेंडिंग है काउंसिल ऑफ स्टेट्स में तो भी वो लैप्स नहीं होगा, क्योंकि काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो है वो कभी डिसॉल्व नहीं होती है. पर अगर बिल पेंडिंग है हाउस ऑफ पीपल में और हाउस ऑफ पीपल डिसॉल्व हो गया है तो उस सिचुएशन में जो आपका बिल है वो लैप्स हो जाएगा. ठीक है, फिर इस सिचुएशन में अगर बिल हाउस ऑफ पीपल से पास हो गया है और काउंसिल ऑफ स्टेट्स में पेंडिंग है तो उस सिचुएशन में भी अगर बिल हाउस ऑफ पीपल डिसॉल्व होता है तो भी आपका जो बिल है वो लैप्स हो जाता है. पर ये जो इसके पहले वाला था ना, ये वाला, इसमें जब बिल स्टार्ट ही काउंसिल ऑफ स्टेट्स में हुआ है और काउंसिल ऑफ स्टेट्स में पेंडिंग है तो हाउस ऑफ पीपल के डिसॉल्यूशन से ये वाला बिल लैप्स नहीं होता है. ओके, फिर जॉइंट सिटिंग, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट कब होती है, कौन बुलाता है, क्यों बुलाई जाती है. प्रेसिडेंट बुलाता है जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. कब बुलाता है? अगर उसको लगता है कि जो बिल, अगर उसको लगता नहीं है, अगर ऐसा होता है कि अगर जो बिल है इट इज रिजेक्टेड बाय वन हाउस, एक हाउस ने पास करके भेजा, दूसरे हाउस ने बिल रिजेक्ट कर दिया. दूसरी चीज, हाउस ऑफ पीपल ने बिल पास करके भेजा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स ने उसमें कुछ अमेंडमेंट्स बताए और या तो जो अमेंडमेंट्स थे उन पे अग्री नहीं करा. ठीक है, अमेंडमेंट्स पे अगर डिसअग्री कर देता है या फिर 6 महीने हो गए हैं और बिल के ऊपर कोई एक्शन ही नहीं लिया जा रहा है तो उस सिचुएशन में प्रेसिडेंट जो होता है वो समन करता है एक मीटिंग, जॉइंट सिटिंग समन करता है और उस जॉइंट सिटिंग में फाइनली दोनों हाउसेस साथ में बैठ के डिस्कस करते हैं जो भी बिल है. ओके, फिर वो बिल को पास किया जाता है. ओके, प्रोवाइडेड कि नथिंग शैल अप्लाई टू द मनी बिल, मनी बिल पे अप्लाई नहीं होती है. जॉइंट सिटिंग मनी बिल के लिए नहीं की जाती है. जो हमारा आधार एक्ट था वो जॉइंट सिटिंग में पास हुआ था, तो क्या आधार एक्ट मनी बिल था? नहीं था. इसके ऊपर कुछ डिस्कशन था, कोई जजमेंट था, किसी को पता है क्या? कुछ बताओ चैट चैट में मुझे, किसी को पता है तो. ओके, अब हम कहाँ हैं? अब हम आ गए मनी बिल पे. तो आर्टिकल 109 भी आपका इंपॉर्टेंट है, स्पेशल प्रोसीजर एज टू मनी बिल्स. 108 जॉइंट सिटिंग, 109 स्पेशल प्रोसीजर एज टू मनी बिल्स, दोनों थोड़े इंपॉर्टेंट हैं. क्या है स्पेशल प्रोसीजर एज टू मनी बिल? काउंसिल ऑफ स्टेट्स में इंट्रोड्यूस नहीं होगा, सिर्फ हाउस ऑफ पीपल में इंट्रोड्यूस होगा. हाउस ऑफ पीपल बिल को पास करके काउंसिल ऑफ स्टेट्स को भेजेगी अप्रूवल के लिए, पर 14 दिन के अंदर अंदर हाउस ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स को जो आपकी राज्यसभा है उसको ये बिल वापस भेजना होगा हाउस ऑफ पीपल को. अगर 14 दिन में वापस नहीं भेजती है तो हाउस ऑफ पीपल ने जैसा मनी बिल बनाया था वैसे ही वो बिल पास हो जाएगा और एक्ट बन जाएगा. दूसरी चीज, अगर हाउस, अगर काउंसिल ऑफ स्टेट्स उसमें कोई अमेंडमेंट्स या उसमें कोई रिकमेंडेशंस बता के वापस हाउस ऑफ पीपल के पास बिल भेजती है तो हाउस ऑफ पीपल की मर्जी है, उसको अमेंडमेंट या रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट करने होंगे तो वो एक्सेप्ट करेगी और नहीं करने होंगे तो नहीं करेगी. एक्सेप्ट करेगी तो अमेंडमेंट्स के साथ बिल पास हो जाएगा और एक्सेप्ट नहीं करेगी तो बिना अमेंडमेंट्स के, जैसे हाउस ऑफ पीपल ने इनिशियली क्या किया था, बिल भेजा था काउंसिल ऑफ स्टेट्स को, उसी स्टेटस में बिल पास हो जाएगा और एक्ट बन जाएगा. राइट, ओके, मैं क्वेश्चन ही भूल गई कि मैंने क्या पूछा था. के एस पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, हम किस कॉन्टेक्स्ट में बता रहे हैं मुझको यहाँ पे? और रॉजर मैथ्यू वर्सेस साउथ इंडिया बैंक, क्यों बता रहे हो आप लोग ये मुझे? क्या पूछा था मैंने ऊपर? सॉरी गाइस, आई जस्ट फॉरगॉट द क्वेश्चन व्हाट आई आस्क्ड. मनी बिल क्या होता है? इसकी डेफिनेशन दी है आर्टिकल 110 में. आर्टिकल 110 में डेफिनेशन है पूरी मनी बिल की, कि मनी बिल क्या होता है. किसी टैक्स से रिलेटेड, गवर्नमेंट के कोई मनी बोरोइंग से रिलेटेड. हाँ राइट,
मैंने पूछा था कि आधार एक्ट के ऊपर कौन सा जजमेंट है, राइट? के एस पुट्टा स्वामी आधार एक्ट से रिलेटेड जजमेंट था, करेक्ट. सॉरी, आई जस्ट फॉरगॉट, और यहाँ मैंने पढ़ा तो मुझे याद है. ठीक है, फिर इसके बाद कंसोलिडेटेड फंड या कंटिजेंसी फंड से कैसे पैसे यूज किए जाएंगे, वो मनी बिल होता है, अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड. ये पूरी डेफिनेशन है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट अगर आपको रीड करनी है तो आप रीड कर लेना, आर्टिकल 110 के अंदर है मनी बिल की डेफिनेशन. ओके. हाँ, ये एक चीज बस इसमें देख लो कि अगर कोई क्वेश्चन अराइज होता है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, तो स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ पीपल का जो डिसीजन होगा वो डिसीजन फाइनल होगा. अगर स्पीकर ने कह दिया कि बिल मनी बिल है, तो फिर बिल मनी बिल है. ठीक है, ये है हमारा आर्टिकल 110 का क्लॉज 3. आर्टिकल 111 है असेंट टू बिल्स. कौन देगा? प्रेसिडेंट देगा. प्रेसिडेंट विथहोल्ड भी कर सकता है असेंट पर. कब कर सकता है? एक बार कर सकता है. एक बार अपना असेंट विथहोल्ड कर सकता है, या एक बार वापस बिल रिकंसिडरेशन के लिए हाउस ऑफ पीपल या पार्लियामेंट के पास भेज सकता है. पार्लियामेंट ने फिर से अगर प्रेसिडेंट को बिल भेज दिया, प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशंस को माना हो चाहे नहीं माना हो, तो सेकेंड टाइम जब बिल आता है प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव हिज असेंट. ओके. हाँ, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये है आपका आर्टिकल 112 के अंदर. प्रेसिडेंट ले डाउन करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर साल, जिसमें लिखा होता है कि कितना खर्चा होगा, कितनी चीज के लिए कितने पैसे हम एलोकेट कर रहे हैं. जो हमारा बजट सेशन होता है, जो हमारा बजट होता है, दैट इज आर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आर्टिकल 112 के अंडर है. ओके. फिर हाँ, ये आर्टिकल 200 जो है आपका, इसमें गवर्नर असेंट देता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वाले बिल्स को, ये आर्टिकल 200 है. इसके बाद इंपॉर्टेंट सेक्शन 121, रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन पार्लियामेंट. पार्लियामेंट में किस चीज के ऊपर डिस्कशन नहीं होगा? कंडक्ट ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उनके किसी भी काम को लेके कोई डिस्कशन नहीं हो सकता इन द पार्लियामेंट. उसके बाद आर्टिकल 122, कोर्ट्स में किस चीज के ऊपर डिस्कशन नहीं होगा? कोर्ट्स पार्लियामेंट की किसी भी प्रोसीडिंग को लेके डिस्कशन नहीं करेंगे, किसी भी प्रोसीडिंग की वैलिडिटी, कि वो इरेगुलर प्रोसीजर फॉलो कर रही है या कुछ भी, उस चीज पे कोर्ट्स कभी डिस्कशन नहीं करेंगे. दिस इज आर्टिकल 121 एंड आर्टिकल 122. ओके. फिर सिमिलर आर्टिकल्स अंडर स्टेट, ये आर्टिकल 211 में रेस्ट्रिक्शन है स्टेट लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव काउंसिल के ऊपर कि वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के काम के ऊपर डिस्कशन ना करे. और आर्टिकल 212 जो है, उसमें रेस्ट्रिक्शन है लेजिस्लेचर के ऊपर कि वो नहीं, कोर्ट्स के ऊपर 212 में है कि वो क्या नहीं करेगा, लेजिस्लेचर के कंडक्ट को डिस्कस नहीं करेगा. ओके. आई थिंक दिस इज यूनियन एंड स्टेट फॉर अस. अब हम आते हैं सुप्रीम कोर्ट पे. सुप्रीम कोर्ट भी हमारा यूनियन पार्ट 5 का ही कौन सा चैप्टर है, किसी को पता है? पार्ट 5 के कौन से चैप्टर में सुप्रीम कोर्ट है, किसी को पता है तो बताओ चैट में मुझे. ठीक है, उससे पहले चलो अब स्टार्ट करते हैं. लाइक वाइक कर रहे हो ना, मुझे दिख नहीं रहा है कहाँ कौन कितना लाइक कर रहा है. करते रहना लाइक वाइक, ठीक है ना? इतना पढ़ा रही हूँ मैं. ओके. चलो, आर्टिकल 124 है हमारा, एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. कौन कौन होता है सुप्रीम कोर्ट में? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है विथ 33 अदर जजेस. पहले जब स्टार्ट हुआ था तब आई थिंक शायद 3 मोर जजेस थे, उसके बाद 7 और हुए, फिर अमेंडमेंट आया, फिर अमेंडमेंट आया. अभी जो, हाँ राइट, पार्ट 5 चैप्टर 4, ठीक है. अभी जो हमारा लेटेस्ट अमेंडमेंट आया था, उससे 33 अदर जजेस एंड 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये हो गया है. ठीक है, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कब तक होल्ड करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ऑफिस? टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स. अपॉइंटमेंट कौन करता है? अपॉइंटमेंट कौन करता है? कोलिजियम के थ्रू अपॉइंटमेंट होता है. कोलिजियम किसका कंसिस्ट करता है? कोलिजियम में होता है आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और बाकी आपके होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 3 अदर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ दी सुप्रीम कोर्ट. ओके. ये हमारे केसेस हैं जिससे हमारा
जो एनजैक था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, उसको यहाँ पर हमने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करा था. उससे पहले जो हमारा एसपी गुप्ता वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड अदर्स वाला केस था, इनको बोलते हैं थ्री जज केसेस. ठीक है, ये हैं आपके थ्री जज केसेस. जो फर्स्ट केस था एसपी गुप्ता वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड अदर्स, जो 1981 में आया था, इसमें ये क्वेश्चन अराइज हुआ था कि अगर ये डिसीजन लेना है कि सुप्रीम कोर्ट का जज कौन बनेगा, तो फाइनल डिसीजन किसका होगा, सीजीआई का होगा या प्रेसिडेंट का होगा. तो इस केस में बोला था कि प्रेसिडेंट का डिसीजन जो है वो फाइनल होगा, ना कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का. फिर आया एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, जिसने बोला कि प्रेसिडेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव का हेड है, तो एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के बीच में हमें सेपरेशन रखना है. और इसलिए जब अपॉइंटमेंट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज हो रहा है, तो फाइनल कॉल या फाइनल डिसीजन सीजेआई का होना चाहिए, और यहाँ पे बोल दिया था कि सीजेआई का फाइनल डिसीजन होगा. फिर स्पेशल रेफरेंस केस ऑफ 1998 जो आया था, इससे फाइनली हमारा कॉलेजियम स्टैब्लिश हुआ था, और कॉलेजियम में कौन कौन होगा और कौन कौन कॉलेजियम का पार्ट फॉर्म करेगा, वो इस केस में बताया था. फिर इसके बाद अननेसेसरीली हमारा एनजैक आया, एनजैक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया, ये एनजैक का जो 2015 वाला जजमेंट था उसमें. ठीक है, ओके, अब हम आ गए इस पे. तो अब हमें पता चल गया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का और हाई कोर्ट के जजेस का दोनों का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, कोलेजियम के थ्रू होता है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एनजैक के थ्रू नहीं होता है. ओके, ये सब जगह अभी भी आपको उसमें मिलेगा, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के बेयर एक्ट में ये लिखा हुआ मिलेगा एनजैक वाली चीज, बट इन सब के नीचे फुटनोट्स हैं, और उन सब फुटनोट्स में लिखा हुआ है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो चुका है. ओके, ठीक है, ये जो फुटनोट्स है ना, इन सब में लिखा हुआ है कि अभी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो गया है. ठीक है, फिर जज अपना रेजिग्नेशन किसको देगा, सुप्रीम कोर्ट का जज है तो वो रेजिग्नेशन देगा प्रेसिडेंट को. उसको रिमूव किया जा सकता है क्लॉज 4 के अकॉर्डिंग, क्लॉज 4 अभी हम नीचे पढ़ेंगे. फिर जज कौन बन सक, एज क्या होगी जज की, वो पार्लियामेंट डिटरमाइन कर सकता है अपॉइंटमेंट के लिए एज. ठीक है, रिटायरमेंट की 65 है. कौन होता है क्वालिफाइड, कौन है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जिस जो 5 साल तक एटलीस्ट हाई कोर्ट का जज रहा हो, या जिसने 10 साल तक हाई कोर्ट का एडवोकेट रहा हो, या फिर प्रेसिडेंट को जो लगता है कि एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट है, तो वो भी हो सकता है हाई कोर्ट का जज. ओके, फिर फोर्थ क्लॉज में है कि कैसे रिमूवल होगा, जिसकी आप बात कर रहे थे ना, कि प्रेसिडेंट का और सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूवल का सेम प्रोसीजर है, नहीं है. ठीक है, कैसे होगा, हाउस ऑफ पार्लियामेंट में एक मेजोरिटी होगी. अरे क्या हो गया, 1 सेकेंड, ओ गॉड, गाइस सम टेक्निकल ग्लिच आई थिंक. लेट्स टेक अ ब्रेक ऑफ 2 मिनट्स, आई विल बी बैक इन 2 मिनट्स. ओके, ब्रेक इज ओनली फॉर 2 मिनट्स, टाइमर 5 मिनट का चलेगा, बट मैं आती हूँ 2 मिनट में, देख के कि व्हाट इज द टेक्निकल ग्लिच. ओके, गिव मी 2 मिनट्स.
ओके गाइस, देयर वाज सम इंटरनेट इशू, इस चक्कर में वो बंद हो गया था. तो एंजैक को आई वॉज नॉट स्केयर्ड ऑफ टेक्निकल इशूज, इट वॉज अ सरप्राइज फॉर मी बिकॉज इट हैपेंड ऑल ऑफ अ सडन. ओके संदीप, ठीक है. तो एनजैक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल इस ग्राउंड पे कहा गया था क्योंकि एनजैक के थ्रू पार्लियामेंट के पास और एग्जीक्यूटिव के पास पूरी पावर जा रही थी टू अपॉइंट द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. तो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर का जो प्रिंसिपल था वो ब्रीच हो रहा था, उसके ग्राउंड पे एनजैक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया था. ओके, सुप्रीम कोर्ट या जो जुडिशरी है इट इज अ डिफरेंट पिलर ऑफ डेमोक्रेसी और उसके पास अपने अपॉइंटमेंट की पावर खुद होनी चाहिए. दैट वॉज वाई एनजैक वॉज हेल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल. ओके ठीक है, हम क्वालिफिकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज पे थे, तो क्वालिफाइड कौन होगा अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज के लिए? 5 years एज अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट, 10 years एज एन एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट, या फिर डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो. ठीक है, फिर फोर्थ में हम आ गए कि सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल कैसे होगा. तो रिमूवल होगा अगर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में बाय अ मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस एंड 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, उस ग्राउंड पे अगर रेजोल्यूशन पास होता है ऑन द ग्राउंड कि मिसबिहेवियर किया है या इनकेपेसिटी है, और सेम सेशन में होना चाहिए, सेम सेशन में होना चाहिए यहाँ पे रेजोल्यूशन पास बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट टोटल मेजोरिटी से और 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग से. यहाँ पर जो आपका और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा और फिर प्रेसिडेंट ऑर्डर पास करेगा ऑफ रिमूवल ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. ओके, यहाँ पे क्या डिफरेंस है? जो हमारे प्रेसिडेंट का रिमूवल होता है उसमें पहले 14 दिन का नोटिस देना होता है और एक हाउस नोटिस देता है 14 दिन का अपने मेंबर्स को, वो सब साइन करते हैं नोटिस को, उसके बाद रेजोल्यूशन पास होता है बाय अ मेजोरिटी एंड 2/3 मेजोरिटी. फिर दूसरा हाउस उसको इन्वेस्टिगेट करता है और दूसरे हाउस में फिर से इसी तरीके से आपका रेजोल्यूशन पास होता है. ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट के केस में, और वहां पे ऑब्वियसली प्रेसिडेंट के असेंट का कोई रोल ही नहीं है क्योंकि प्रेसिडेंट के ही रिमूवल की बात हो रही है. सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूवल के केस में यहाँ पे कोई 14 डेज नोटिस वाला सिस्टम नहीं है और यहाँ पे सेम सेशन में पास होना चाहिए. ठीक है, सेम सेशन में रेजोल्यूशन पास होना चाहिए और किस ग्राउंड पे होना चाहिए? ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी. और प्रेसिडेंट का कौन से ग्राउंड पे होता है पास? प्रेसिडेंट का रिमूवल कौन से ग्राउंड पे होता है? सुप्रीम कोर्ट के जज का होता है मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी के ग्राउंड पे. प्रेसिडेंट का रिमूवल किस ग्राउंड पे होता है मुझे बताओ चैट बॉक्स में. ओके, फिर जो सुप्रीम कोर्ट का जज है वो ओथ किसको देगा? प्रेसिडेंट को ओथ देगा. ओके, और कोई भी पर्सन जो कि जज रह चुका है सुप्रीम कोर्ट का वो किसी भी कोर्ट में लॉ प्रैक्टिस नहीं कर सकता आफ्टर हिज रिटायरमेंट. ये सब एनजैक वाले प्रोविजंस हैं जो मैंने ऊपर काट रखे. हेल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, नो लॉन्गर रेलेवेंट फॉर एनी ऑफ अस. ठीक है, आर्टिकल 125 में सैलरीज दी हुई हैं, नॉट सो इम्पॉर्टेंट. अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस कब अपॉइंट किया जाता है? जब जो चीफ जस्टिस का ऑफिस है वो वेकेंट हो गया है ड्यू टू एनी रीजन, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है किसी भी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस. फिर 127 में अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस होता है, जब लग रहा है कि कुछ और भी जजेस की जरूरत है, मोर जजेस आर रिक्वायर्ड देन दी नंबर ऑफ स्ट्रेंथ ऑलरेडी सिटिंग इन द सुप्रीम कोर्ट, उस सिचुएशन में अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस होता है और ये भी प्रेसिडेंट करता है या फिर कोलिजियम जो है अपनी वो करती है. ठीक है, फिर अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट 128, ये सब जाने दो. फिर ये इंपॉर्टेंट है 129, क्या है? सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड कैन पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ. क्या है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है और पनिश कर सकता है अपने खुद के कंटेम्प्ट के लिए. ये पावर कहाँ दी है? आर्टिकल 129 में दी है. आर्टिकल 130 में क्या है कि सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहाँ होगी? दिल्ली में होगी, पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट के साथ मिलके कहीं और भी सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है. ठीक है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, अब यहाँ से 131 से लेके 137 तक ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है. सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं और सबको पता होने चाहिए. हाँ, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के ग्राउंड पे प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है और
सुप्रीम कोर्ट का किस ग्राउंड पे होता है? ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकेपेसिटी. ओके, अब ज्यूरिसडिक्शन. आर्टिकल 131 में सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है. कौन सी सिचुएशन में ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज करता है? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज करता है जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिस्प्यूट होता है किसी एक स्टेट के साथ, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और किसी एक स्टेट का किसी दूसरी स्टेट के साथ डिस्प्यूट होता है, या दो और मोर स्टेट्स में डिस्प्यूट होता है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, यहाँ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस गोवा, ठीक है. और यहाँ पे इधर और भी स्टेट्स हो सकते हैं, यूपी वॉट एवर वॉट एवर. ओके, और यहाँ पे है टू और मोर स्टेट्स, एमपी और यूपी वर्सेस राजस्थान, ठीक है. उन सब सिचुएशंस में ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज करता है. लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस और फैक्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस, दोनों क्वेश्चंस पर सुप्रीम कोर्ट अपना ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज करता है इन दिस सिचुएशन. ओके, देन वी कम टू आर्टिकल 132. इज अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कौन से सिचुएशंस में? वेयर अ क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अगर कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है एज टू इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, और हाई कोर्ट सर्टिफिकेट देता है आर्टिकल 134A के अंदर, उस सिचुएशन में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अपना अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज करता है. ओके, फिर 133 में सिविल मैटर्स में कब एक्सरसाइज करेगा सुप्रीम कोर्ट अपना ज्यूरिसडिक्शन? अगेन व्हेन हाई कोर्ट गिव्स द सर्टिफिकेट अंडर आर्टिकल 134 कि कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस. ऊपर क्या था 132 में? कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था. 133 में क्या है? जनरल इंपॉर्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, कोई सिविल मैटर है और हाई कोर्ट ने अपना सर्टिफिकेट दिया है, ठीक है. बट जब यहां पर अपील जा रही है तो कोई भी पर्सन जिसने अपील की है या जो रिस्पोंडेंट है वो क्लेम कर सकता है कि कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी इन्वॉल्व्ड है, और सुप्रीम कोर्ट उसको यहीं एंटरटेन कर लेगा, उसमें ही कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी भी चेक कर लेगा. ओके, फिर 134 में है क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन. क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन इन क्रिमिनल मैटर्स कब एक्सरसाइज करता है सुप्रीम कोर्ट? जब हाई कोर्ट ने अपील रिवर्स कर दी हो, अक्विटल का कोई ऑर्डर था सेशंस कोर्ट का या ट्रायल कोर्ट का वट एवर, और उसकी अपील में अक्विटल का ऑर्डर रिवर्स करके डेथ का सेंटेंस दे दिया हो, तब करता है. दूसरा तब करता है जब हाई कोर्ट ने कोई ट्रायल को विड्रॉ कर लिया हो, अपने पास बुला ली ट्रायल विड्रॉ करके और उसमें डेथ का सेंटेंस दे दिया. और तीसरा कब करता है? जब हाई कोर्ट एक सर्टिफिकेट दे रहा है आर्टिकल 134A के अंडर कि हाई कोर्ट के ओपिनियन में ये जो केस है इसका डिसीजन सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए, तो उस सिचुएशन में भी सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल मैटर्स में अपील लेता है. ओके, 134A ऑब्वियसली सर्टिफिकेट फॉर अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट देता है ओन मोशन पे या ओरल एप्लीकेशन के बेसिस पे, ठीक है. एप्लीकेशन पार्टीज ने दी है उसके बेसिस पे दे सकता है, या फिर खुद से अगर उसको लगता है कि केस शुड बी डेल्ट बाय सुप्रीम कोर्ट तो दे सकता है. आर्टिकल 136 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबको नंबर और नाम पता ही होना चाहिए, नो नेगोशिएशन ऑन दिस. आर्टिकल 136 इज स्पेशल लीव टू अपील बाय सुप्रीम कोर्ट. सबको पता होना चाहिए कि एसएलपी कहाँ फाइल होती है. कहाँ होती है एसएलपी फाइल? आर्टिकल 136 में होती है, ठीक है. किसी भी जजमेंट, किसी भी डिक्री, किसी भी ऑर्डर, किसी भी सेंटेंस, किसी भी कोर्ट का आप एसएलपी फाइल कर सकते हो आर्टिकल 136 के अंडर. सिर्फ एक एक्सेप्शन है इसका, अगर आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड कोई जजमेंट आया है, कोर्ट मार्शल का कोई जजमेंट है, उस सिचुएशन में एसएलपी फाइल नहीं होगी. ओके, 137 में रिव्यू ऑफ जजमेंट्स है. सुप्रीम कोर्ट खुद से रिव्यू कर सकता है अपने जजमेंट्स, उसको रिव्यू करने के लिए रूल्स बना सकता है आर्टिकल 145 के अंडर. 138 में, आर्टिकल 138 में पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन को और ज्यादा इनलार्ज कर सकता है. कोई भी वो पावर जो यूनियन लिस्ट में पार्लियामेंट के पास है उसके ऊपर वो सुप्रीम कोर्ट को ज्यूरिसडिक्शन दे सकता है. ओके, 139 है ट्रांसफर ऑफ सर्टन केसेस, नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर यू गाइस.
फिर एंसिलरी पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये है एंसिलरी पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट क्या होती हैं। पार्लियामेंट ऐसी कोई भी पावर्स दे सकता है सुप्रीम कोर्ट को जो जरूरी लग रही हैं पार्लियामेंट को, या फिर जो भी नेसेसरी हैं फॉर द फर्दरेंस ऑफ ऑलरेडी कंसिस्टिंग पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। 141 अगेन इम्पॉर्टेंट, 142 इम्पॉर्टेंट, 143 इम्पॉर्टेंट। ठीक है, 141 क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी लॉ दी, कोई भी जजमेंट पास किया है, तो इट इज बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स, बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। 142 में टू डू कंप्लीट जस्टिस इन एनी कॉज और एनी मैटर, सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है। व्हेन द क्वेश्चन कम्स कि क्या आता है क्वेश्चन, कि वेयर डज द सुप्रीम कोर्ट हैज पावर टू पास एनी ऑर्डर इन फर्दरेंस ऑफ कंप्लीट जस्टिस, उस सिचुएशन में आर्टिकल 142। ओके, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और भी कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है टू इन्फोर्स एनी जजमेंट गिवन बाय इट। ठीक है, फिर 143 में प्रेसिडेंट की पावर है टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। प्रेसिडेंट को कभी भी लगता है कि कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट अराइज हुआ है जिसमें सुप्रीम कोर्ट को, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन लेना जरूरी है, तो उस सिचुएशन में वो यहाँ पर एक रेफर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट को टू टेक देयर ओपिनियन। ओके, 145 पूरा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट एक दो चीजें मैं बताती हूँ। पहला तो कोई भी सुप्रीम कोर्ट को अपने कंडक्ट के लिए कोई भी रूल बनाना है तो वो आर्टिकल 145 के अंडर बनता है, विथ द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को कंसल्ट करके या प्रेसिडेंट का ओपिनियन लेते हुए वो रूल बनाया जाता है। ओके, फिर हाँ, इसमें और क्या इम्पोर्टेंट है, इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट ये रूल बना सकता है कि किसी भी केस के लिए मिनिमम नंबर ऑफ जजेस कितने बैठेंगे, सिंगल जजेस के पास या डिवीजन कोर्ट्स के पास क्या पावर होगी वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर सकता है। इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना है तो उसकी बेंच क्या होगी वो यहाँ प्रोवाइडेड है, आर्टिकल 145 के क्लॉज 3 में प्रोवाइडेड है कि 5 जजेस की बेंच बैठेगी फॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर या फिर फॉर एनी मैटर रेफर्ड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 143, उसमें भी 5 जजेस की बेंच बैठती है। ओके, 135 जो था बेटा, 135 आर्टिकल जो था वो आपका फेडरल कोर्ट से रिलेटेड है, जो पहले फेडरल कोर्ट्स एग्जिस्ट करते थे ना इंडिया में, बिफोर आर कॉन्स्टिट्यूशन केम इन, और जब प्रिवी काउंसिल एग्जिस्ट करती थी ब्रिटिशर्स के टाइम पे, उस टाइम पे फेडरल कोर्ट्स भी एग्जिस्ट करते थे। तो आर्टिकल 135 में यही दिया है कि जो भी फेडरल कोर्ट्स थे और उनके जो जजेस हैं उनके पास भी सिमिलर पावर्स होंगी सुप्रीम कोर्ट के जजेस जैसी, या समथिंग लाइक दैट, नॉट एट ऑल रेलिवेंट अभी आर्टिकल 135। ठीक है, और फिर इसका जो फोर्थ क्लॉज है इसमें दिया है कि सुप्रीम कोर्ट शैल बी एन ओपन कोर्ट, और इसके फिफ्थ में दिया है कि किसी भी जज को अगर अपना कोई डाइसेंटिंग ओपिनियन देना है तो वो एक डाइसेंटिंग जजमेंट दे सकता है। तो आर्टिकल 145 में स्पेसिफाइड है कि डिवीजन बेंच कब बनती है, उसके अंदर स्पेसिफाई होता है कि फुल बेंच कब बनती है, 5 जज बेंच कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के लिए, या फिर इन रे आर्टिकल 143 के अंदर जो प्रेसिडेंट रेफरेंस में जजमेंट्स भेजते हैं उनके अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनती है। ओपन कोर्ट होता है, ये भी आर्टिकल 145 में दिया है, और क्या दिया है, डाइसेंटिंग जजमेंट की पावर कहाँ से डिराइव करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस, आर्टिकल 145 से। ओके, अब हम आ रहे हैं हमारे हाई कोर्ट्स के ऊपर, ये है आपका पार्ट 6, यूनियन पार्ट 6 स्टेट के अंडर चैप्टर। चैप्टर कौन सा है बताओ, अभी सुप्रीम कोर्ट का भी बताया था ना, हाई कोर्ट का भी बताओ। ठीक है, आर्टिकल 213 के अंदर हाई कोर्ट्स होंगे स्टेट में। फिर 214 में बताया है कि हाई कोर्ट्स टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, और कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स हाई कोर्ट भी कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट 215 में चीफ जस्टिस होगा और सच अदर जजेस होंगे, जैसी भी नीड होगी प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेगा कि कितने जजेस होने चाहिए हाई कोर्ट में। ओके, अपॉइंटमेंट कैसे होगा, अपॉइंटमेंट फिर से वही कॉलेजियम के थ्रू होगा। कब तक, रिटायरमेंट एज क्या है इनकी, 62 ईयर्स है,
सुप्रीम कोर्ट की 65 ईयर्स थी, ठीक है। रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देंगे हाई कोर्ट के जजेस, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस दोनों ही प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देंगे। फिर रिमूवल कैसे होगा? रिमूवल वैसे ही होगा जैसे एक सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल होता है, क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 124 के अकॉर्डिंग। ओके, क्या यहाँ पे आर्टिकल्स ऊपर नीचे हुए हैं क्या? कृतिका, सॉरी इफ द आर्टिकल्स आर थोड़े बहुत शफल्ड। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है देख लेना बेटा, अगर यहाँ पे कोई एक आधा आर्टिकल आगे पीछे हुआ है, आई थिंक कुछ गड़बड़ हुआ है, ठीक है। पार्ट, ओ यस राइट, पार्ट 5 चैप्टर 6, ठीक है सॉरी, पार्ट 5 है चैप्टर 6 है, मैंने गलती से पार्ट 6 लिख दिया था, ठीक है। कहाँ हूँ मैं? हाँ, रिमूवल वैसे ही होगा जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल होता है। एलिजिबिलिटी क्या है? सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 10 ईयर्स जुडिशियल ऑफिस होल्ड करना चाहिए इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, या फिर 10 ईयर्स एज एन एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट। ओके, उसके बाद ओथ किसको देगा? ओथ गवर्नर को देगा, ओथ गवर्नर को देगा, बट रेजिग्नेशन किसको देगा? रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देगा, ठीक है। इसके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन है, जो जज बन चुका है हाई कोर्ट का वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा कहीं भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता आफ्टर रिटायरमेंट। ट्रांसफर ऑफ जजेस नॉट इम्पॉर्टेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, फिर से वही, अगर वैकेंसी अराइज हो रही है तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, किसी भी रीजन से चीफ जस्टिस का ऑफिस अगर वैकेंट हो रहा है तो एक्टिंग चीफ जस्टिस हाई कोर्ट में भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। फिर एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस आर्टिकल 124 में, ये तब अगर हाई कोर्ट को लग रहा है कि जो ऑलरेडी स्ट्रेंथ है दैट इज नॉट सफिशियंट, तो उस सिचुएशन में एक्टिंग एंड एडिशनल जजेस का अपॉइंटमेंट भी कोलिजियम के थ्रू होता है। ओके, फिर अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस भी सिमिलरली, अगर जरूरत है तो रिटायर्ड जजेस को बुलाया जा सकता है। अब ये है आपका इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 226, पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट्स। हाई कोर्ट के पास भी सेम पावर होती है, हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो एंड सर्शियरी। बट यहाँ पे एक और चीज बताओ कि हाई कोर्ट की पावर जो है टू इशू रिट्स वो सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा है या सुप्रीम कोर्ट से कम है? किसके पास ज्यादा वाइडर पावर है टू इशू रिट्स, हाई कोर्ट के पास या सुप्रीम कोर्ट के पास? बताओ मुझे। ओके, बताना, ठीक है लेट्स प्रोसीड। तब तक हाई कोर्ट के पास ये जो पावर होती है ये अपनी टेरिटरी में अराइजिंग एनी कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज कर सकता है, भले ही गवर्नमेंट दूसरी स्टेट की हो या भले ही जो पर्सन है जिसके अगेंस्ट ऑर्डर हो रहा है वो दूसरे स्टेट का हो, पर अगर कॉज ऑफ एक्शन हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के अंडर अराइज हुआ है तो उस सिचुएशन में क्या, उस सिचुएशन में हाई कोर्ट के पास पावर होती है यहाँ की। वाइडर एम्बिट है हाई कोर्ट का, वेरी गुड अमन, कृतिका ने भी सही आंसर दिया है। हाई कोर्ट के पास वाइडर एम्बिट होता है, वो पार्ट 3 मतलब फंडामेंटल राइट्स के लिए भी रिट्स इशू कर सकता है और किसी दूसरे पर्पस या किसी दूसरी लीगल राइट्स के लिए भी रिट इशू कर सकता है अंडर आर्टिकल 226। फिर आर्टिकल 227 जो है आपका वो है पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स बाय द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की जितने भी लोअर कोर्ट्स हैं इन दैट स्टेट उन सब के ऊपर हाई कोर्ट का पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस होता है, वो आर्टिकल 227 में है। फिर 228 जाने दो, 238 में एक्सटेंशन ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स टू यूनियन टेरिटरीज। पार्लियामेंट को अगर कहीं लगता है कि जो एक स्टेट का हाई कोर्ट है वही किसी एडजॉइनिंग या आसपास वाली यूनियन टेरिटरी का भी हाई कोर्ट हो सकता है तो हाई कोर्ट वहां, पार्लियामेंट वहां पर हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन एक्सटेंड कर देगा आर्टिकल 230 के लिए। 231 के में किसी भी दो स्टेट्स के लिए या स्टेट और यूनियन टेरिटरी के लिए सेम हाई कोर्ट स्टैब्लिश हो सकता है, दैट इज आर्टिकल 231। ओके, ठीक है, ये आपके कोर्ट्स हो गए। फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में सिर्फ आर्टिकल 233 देख लो कि अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है वो आर्टिकल 233 के अंदर होता है। कौन करता है अपॉइंटमेंट? गवर्नर ऑफ स्टेट करता है इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? 7 ईयर्स प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट और एज अ प्लीडर, हाँ
एंड रिकमेंडेशन बाय द हाई कोर्ट. ओके, वो होते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस. इसके बेसिस पे होता है 233 के बेसिस पे. ओके, फिर पार्ट 8 जो है आपका वो यूनियन टेरिटरीज है. 239 में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज कौन करता है? जो भी प्रेसिडेंट जो होता है वो होता है एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरीज. तो जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं अदर देन ऑफकोर्स डेली, उनका एडमिनिस्ट्रेशन इज डन बाय द प्रेसिडेंट. 239 ए में इनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल वगैरह. ठीक है, फिर 239 ए, बस आर्टिकल याद रखना कि दिल्ली के रिस्पेक्ट में जो स्पेशल प्रोविजन है वो आर्टिकल 239 ए में है, इसलिए याद रखना, क्योंकि इस साल ही अपने दिल्ली के ऊपर जजमेंट आया है कि एली के पास क्या पावर होगी और जो चीफ मिनिस्टर है उसके पास क्या पावर होगी, है ना? तो इसलिए याद रखना ये वाला आर्टिकल. ओके, आर्टिकल 239 AA, पावर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिल्ली. ठीक है, हाई कोर्ट्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज आर्टिकल 241 में है कि पार्लियामेंट स्टैब्लिश कर सकता है हाई कोर्ट फॉर यूनियन टेरिटरी. पार्ट 9 पंचायत, कौन से अमेंडमेंट एक्ट से आया है? अभी बताया था मैंने स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में, तो बताओ मुझे चैट बॉक्स में. ठीक है, 243 में डेफिनेशंस दी हुई हैं, कुछ खास नहीं है काम का. यहाँ हम आगे बढ़ जाएंगे, हम पार्ट 9 को नहीं देख रहे. पार्ट 9 ए म्यूनिसिपैलिटीज है, इसका भी अमेंडमेंट देख लो कि कौन से अमेंडमेंट से आया था. इसके बाद एक पार्ट 9 बी है जो कोऑपरेटिव क्या है, कोऑपरेटिव समथिंग रिलेटेड टू कोऑपरेटिव, उसका भी अमेंडमेंट देख लेना. ठीक है, कोऑपरेटिव है उसमें, उसका भी अमेंडमेंट देख लेना. हाँ, पंचायत आया था 73rd अमेंडमेंट एक्ट से. फिर अब हम कहाँ पहुंच गए? हाँ, कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो पार्ट 9 बी है, इसका भी अमेंडमेंट देख लेना. ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है पार्ट 9 बी. पार्ट 10 शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, इसमें आर्टिकल 244 में बस यही बताया है कि सारे ट्राइबल एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन किसके अकॉर्डिंग होगा? शेड्यूल 5 के अकॉर्डिंग होगा, एक्सेप्ट असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, उनका एडमिनिस्ट्रेशन 6th शेड्यूल में जो प्रोविजंस दिए हैं उसके अकॉर्डिंग होगा. अब हम आते हैं हमारे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, जो है हमारा पार्ट 11, रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स. हाँ राइट, आर्टिकल 213 जो है वो तो गवर्नर की पावर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस हैं, तो 214 से हाई कोर्ट के प्रोविजन स्टार्ट होते हैं. तो यहाँ पर जो भी आर्टिकल में छोटी बहुत ही माइनर डिस्क्रिपेंसी थी उसके ऊपर थोड़ा सा एक बार बेयर एक्ट खोल के देख लेना. ओके, हाँ अब पार्ट 11 हमारा, रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट, और इसका फर्स्ट चैप्टर है लेजिस्लेटिव रिलेशंस. आर्टिकल 245 है जो बताता है एक्सटेंट ऑफ पावर ऑफ, एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट. तो पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि वो पूरी टेरिटरी ऑफ इंडिया के लिए या पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया के लिए लॉ बना सकता है, और लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट के पास पावर होती है कि वो पूरी स्टेट के लिए या पार्ट ऑफ स्टेट के लिए लॉ बना सकता है. और जो इसका क्लॉज 2 है वो बोलता है कि नो लॉ मेड बाय पार्लियामेंट शैल बी डीम्ड टू बी इनवैलिड ऑन द ग्राउंड दैट इट वुड हैव एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन. इसका ये मतलब नहीं है, अगर कोई भी ये समझता है कि पार्लियामेंट इंडिया की टेरिटरी के बाहर के लिए भी लॉ बना सकता है या उसकी एप्लीकेबिलिटी बाहर भी होगी, तो इट डज नॉट मीन दैट. इसका सिर्फ ये मतलब है कि अगर कोई ऐसा लॉ है जिसमें टेरिटोरियल लिमिट एक्सप्लेन्ड नहीं है या जिसमें ये लिखा है कि बाहर एप्लीकेबल होगा, तो उसकी वजह से वो लॉ इनवैलिड नहीं हो जाएगा, इंडिया में तो वो एप्लीकेबल रहेगा ही रहेगा. ओके ठीक है, फिर है हमारा 246. आर्टिकल 246 में क्या बताया है? सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट. 246 बताता है कि पार्लियामेंट जो है वो लॉ, मतलब हाँ जो पार्लियामेंट है वो लॉ बनाएगा. लिस्ट 1 जो यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट्स दिए हैं उसके ऊपर पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, जो स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट्स दिए हैं उसके ऊपर स्टेट लॉ बनाएगा, और जो कॉन्करेंट या जो थर्ड लिस्ट है आपकी 7th शेड्यूल में उसमें जो सब्जेक्ट्स दिए हैं उसके ऊपर पार्लियामेंट और स्टेट दोनों लॉज बना सकते हैं, बट पार्लियामेंट के जो लॉज होंगे दोज विल बी कंसिडर्ड सुपीरियर टू द लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट. ओके, दिस इज आर्टिकल 246.
कौन सा शेड्यूल है, कौन से शेड्यूल में लिस्ट दिए हैं? ऑल द मैंने जस्ट अभी बोल दिया पर बताओ मुझे कौन से शेड्यूल में लिस्ट्स हैं और लिस्ट्स के नाम क्या क्या हैं? थोड़ी अटेंटिवनेस भी तो टेस्ट होनी चाहिए ना। ठीक है, इसके बाद 246A में जीएसटी से रिलेटेड स्पेशल प्रोविजन है, तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि जीएसटी से रिलेटेड कोई भी लॉ लाना हो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से रिलेटेड, वो स्टेट जीएसटी हो या सेंट्रल जीएसटी हो या फिर आईजीएसटी हो, इंटर स्टेट ट्रेड से रिलेटेड हो, सारी सिचुएशंस में पार्लियामेंट ही लॉ बनाता है जीएसटी के ऊपर। सेवेंथ शेड्यूल, सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। वेरी गुड, सबको पता है यार, सुन रहे हो, गुड। ठीक है, फिर है आर्टिकल 248 में रेसिड्यूरी पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर, तो जो भी पावर्स कॉन्करेंट लिस्ट या स्टेट लिस्ट में नहीं दी हुई हैं, उन सब पावर्स जो कॉन्करेंट या स्टेट लिस्ट में नहीं दिया हुआ है और उसके अलावा अगर किसी चीज पे लॉ बनाना है, तो वो सारी रेसिड्यूरी पावर्स जो है वो पार्लियामेंट के पास रेस्ट करती हैं। ठीक है, तीनों लिस्ट में अगर किसी सब्जेक्ट को इंक्लूड नहीं किया है, उस सब्जेक्ट पे लॉ बनाना है, तो पार्लियामेंट बना सकता है आर्टिकल 248 के अंदर। फिर 249 में अगर काउंसिल ऑफ स्टेट्स को ऐसा लगता है कि जरूरी है नेशनल इंटरेस्ट कि पार्लियामेंट कोई लॉ बनाए, तो काउंसिल ऑफ स्टेट 2/3 मेजोरिटी से एक रेजोल्यूशन पास कर सकती है और उस रेजोल्यूशन में बोल सकती है कि पार्लियामेंट को इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे लॉ बनाना चाहिए। ओके, 250 में इमरजेंसी जब लागू होती है, तो उस सिचुएशन में पार्लियामेंट के पास पावर आ जाती है स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर लॉ बनाने की, दैट इज 250। 252 बोलता है कि कोई भी एक स्टेट या दो से ज्यादा स्टेट्स एक साथ मिलके एक रेजोल्यूशन पास कर सकती हैं और पार्लियामेंट को बोल सकती हैं कि इस पर्टिकुलर स्टेट सब्जेक्ट पे हमारे लिए आप लॉ बना दो, तो पार्लियामेंट उनके लिए लॉ बना देगा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे। ठीक है, इसके बाद 253 है, अगर कोई इंटरनेशनल अग्रीमेंट है, ट्रीटी है जो इंडिया ने साइन की है, उसका अगर इन्फोर्समेंट करना है या उसकी एप्लीकेबिलिटी इंडिया पे करनी है, तो उसके लिए लॉ कहाँ बनाता है पार्लियामेंट? आर्टिकल 253 में किसी भी इंटरनेशनल अग्रीमेंट या ट्रीटी को वैलिडिटी देता है लॉ बना के, 253 में। फिर आर्टिकल 254 है, इनकंसिस्टेंसी बिटवीन लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। अगर कोई कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है उसके ऊपर एक स्टेट लॉ है और एक पार्लियामेंट का लॉ है, तो जो पार्लियामेंट का लॉ है वो ऑब्वियसली प्रिवेल करेगा स्टेट लॉ के ऊपर, और स्टेट लॉ जिस एक्सटेंड तक पार्लियामेंट के लॉ को वायलेट कर रहा था उस एक्सटेंड तक स्टेट लॉ रिपग्नेंट हो जाएगा, उसको कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, बट इसका एक एक्सेप्शन है, जहां पर स्टेट ने जो लॉ बनाया है वो प्रेसिडेंट का कंसेंट लेते हुए या प्रेसिडेंट के लिए कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करा था उसने वो बिल, और फाइनली प्रेसिडेंट का असेंट लेके वो लॉ बनाया है, तो उस पर्टिकुलर स्टेट में उस स्टेट का लॉ प्रिवेल करेगा, बट पार्लियामेंट सब्सिक्वेंटली बाद में कभी भी अमेंडमेंट करके या कभी भी एक नया लॉ लाके ये जो स्टेट ने प्रेसिडेंट की वैलिडिटी के साथ लॉ बनाया है इस लॉ को चैलेंज कर सकता है या इस लॉ को रिपग्नेंट वापस कर सकता है, फिर पार्लियामेंट का जो लॉ है वही लॉ वैलिड हो जाएगा। ओके, इससे रिलेटेड हमारी डॉक्ट्रिन्स हैं। पहली हमारी डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन जो बोलती है कि थिंग विच कैन नॉट बी डन डायरेक्टली शुड नॉट बी डन इनडायरेक्टली, जो चीज आपकी स्टेट लिस्ट में फॉल नहीं कर रही है, जो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हो उसको इनडायरेक्टली मत करो, ये है डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस है जो बोलता है कि जब हमें ये चेक करना है कि कौन सा लॉ कौन सी लिस्ट के अंडर फॉल कर रहा है, उस सिचुएशन में हम जो लिस्ट का सब्जेक्ट है उसको देखेंगे, लॉ को देखेंगे, और दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको स्टैब्लिश करते हुए, उनके पिथ एंड सब्सटेंस को देखते हुए डिसाइड करेंगे कि लॉ वैलिड है या वैलिड नहीं है। ओके, फिर है डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी जो कि बेसिकली आर्टिकल 254 में एक्सप्लेन्ड है कि पार्लियामेंट का लॉ जो है वो प्रिवेल करेगा स्टेट के लॉ के ऊपर। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन होती है, डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन ये है कि अगर दो अलग अलग लॉज है, एक पार्लियामेंट ने बनाया है एक स्टेट ने बनाया है, उनको साथ में अगर पढ़ा जा सकता है और उनको हम हार्मोनियसली
सेम लेवल पे ट्रीट कर सकते हैं तो हम उसका हारमोनियस कंस्ट्रक्शन करेंगे। एफ एम बलसारा वाला केस है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस का, कामेश्वर प्रसाद वाला केस है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन का। ओके ठीक है। फिर डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू वाटर अगर कभी होते हैं तो पार्लियामेंट लॉ बना के बोल सकता है कि कोई भी कोर्ट इस ऐसे डिस्प्यूट्स का कॉग्निजेंस नहीं लेगा और पार्लियामेंट खुद ही लॉ बना के ऐसे इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करेगा। अगर प्रेसिडेंट को लगता है आर्टिकल 263 के अंदर अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि जरूरत है कि एक इंटर स्टेट काउंसिल बिठाई जाए जिसमें दो स्टेट्स को बिठा के उनकी आपस में बात करवाई जाए तो प्रेसिडेंट यहाँ पर 263 के अंदर एक इंटर स्टेट काउंसिल एस्टैब्लिश कर सकता है। ठीक है। इस चैप्टर में कुछ भी खास नहीं है। ठीक है, पार्ट 12 है फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स। 266 में कंसोलिडेटेड फंड्स की डेफिनेशन है, 267 में कंटिजेंसी फंड्स की डेफिनेशन है, 269A में आया था जीएसटी लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी इन कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था। ठीक है, आई होप सबको पता ही है, आई होप सबको पता है, बट 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था बेटा संदीप। कलरेबल लेजिस्लेशन ये होता है कि अगर किसी एक्ट में कैसे एक्सप्लेन करूँ यार मैं, किसी एक्ट में दिया है कि आप एक पर्टिकुलर काम नहीं कर सकते, अगर आपकी जो स्टेट लिस्ट है, जो आपका स्टेट सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में कोई चीज नहीं है तो आप उसको एंसिलरीली, जो जो चीज आपकी यूनियन लिस्ट में है, आप स्टेट लिस्ट के अंडर लॉ बना के एंसिलरीली यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट कवर नहीं कर सकते। बेसिकली दैट इज कलरेबल लेजिस्लेशन। ओके ठीक है। 269A में जीएसटी, 101st अमेंडमेंट एक्ट, 279A में जीएसटी काउंसिल दी हुई है, 280 में आपका फाइनेंस कमीशन स्टैब्लिश होती है। ठीक है, 280 बस इतना पता कर लो कि फाइनेंस कमीशन कहाँ होती है, 280 के अंदर फाइनेंस कमीशन स्टैब्लिश होती है। कौन बनाता है? प्रेसिडेंट बनाता है। ठीक है, और बस ठीक है इतना यार। इसमें 299 और 300 ये आपके इंपॉर्टेंट है, 280 का नंबर याद रख लो, फाइनेंस कमीशन वहां होती है, 299 पता कर लो, 300 पता कर लो। 299 क्या है? कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या यूनियन ऑफ इंडिया अगर कर रही है कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी के भी साथ तो वो कॉन्ट्रैक्ट किसके नाम से होगा? प्रेसिडेंट के नाम से होगा। और अगर स्टेट कर रही है या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट कर रही है तो वो कॉन्ट्रैक्ट किसके नाम से होगा? गवर्नर के नाम से होगा। बट इस किसी भी सिचुएशन में गवर्नर और प्रेसिडेंट पर्सनली लायबल नहीं होते हैं। ओके 300 सूट्स एंड प्रोसीडिंग्स, कोई भी इंडिया की गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट को अगर आपको स्यू करना है या अगर वो स्यू कर रहे हैं, अगर वो केस ला रहे हैं तो केस किसके नाम से होगा? यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, और अगर स्टेट है तो स्टेट के नाम से होगा, स्टेट ऑफ MP, स्टेट ऑफ UP, वट एवर, दैट इज 300। ओके चैप्टर 4 इज राइट टू प्रॉपर्टी, चैप्टर 4 ऑफ ये वाला पार्ट। ठीक है, 300A में राइट टू प्रॉपर्टी है, पर्सन नॉट टू बी डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी सेव्ड बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। कौन से अमेंडमेंट एक्ट से आया था? कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से अमेंडमेंट से यहाँ आया? ये फंडामेंटल राइट से हट के यहाँ पे आया कौन से अमेंडमेंट से बताओ? फिर पार्ट 18 ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, नॉट पार्ट 18 सॉरी पार्ट 13 ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। फ्रीडम होता है ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स कर सकते हो, 302 में पार्लियामेंट रेस्ट्रिक्ट कर सकती है पब्लिक इंटरेस्ट के ग्राउंड पे ट्रेड कॉमर्स और इंटरकोर्स को। फिर आपका है सर्विसेज, सर्विसेज मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, टेन्योर जो होता है किसी भी ऑफिसर का 310 में दिया है। टेन्योर जो होता है वो अगर यूनियन का ऑफिसर है तो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होता है, अगर स्टेट का गवर्नमेंट ऑफिसर है तो प्लेजर ऑफ गवर्नर होता है टेन्योर। ओके डिसमिसल 311 में दिया है। ये सब नहीं इम्पॉर्टेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स जो हैं वो 323A में दिए हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स क्या होते हैं? कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल है या कोई भी गवर्नमेंट सर्विस में तो उसको कोई भी कंप्लेंट है या उसको कोई भी डिस्प्यूट है तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में अपनी कंप्लेन कर सकता है। इसमें बस एक चीज याद रख लो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जो है वो एक्सक्लूड करता है बाकी सारे कोर्ट्स का ज्यूरिसडिक्शन एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम
सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ही आप जा सकते हो अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के किसी भी ऑर्डर से आपको कोई इश्यू है या कोई कंप्लेंट है तो ओके, और किसी कोर्ट में नहीं जाओगे. देन इलेक्शंस 324 में दिया है कि डायरेक्शन कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस और ये सब सबका इलेक्शन, एक इलेक्शन कमीशन करेगा, एक इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, बहुत सारे इलेक्शन कमीशन होंगे, कैसे इलेक्शन होगा 324 में दिया है. इसमें इम्पॉर्टेंट है जो वो ये देख लो कि 326 जिसमें अडल्ट सफरेज दिया है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और 18 साल का होना चाहिए वो इंसान जो कि वोट देने जा रहा है. ओके हाँ, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 300A आया था. ओके ओके ठीक है. 326, अब स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस, सिर्फ सेक्शंस देख लो कि रिजर्वेशन फॉर SC ST हाउस ऑफ पीपल में है 330 के अंडर, फिर 331 के अंडर ये जो था ये अब नहीं है, एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी के पास जो पहले रिजर्वेशन था हाउस ऑफ पीपल में, ये आपका 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से कैंसिल हो चुका है. ठीक है, 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद अब एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन नहीं है. 332 में रिजर्वेशन है लेजिस्लेटिव असेंबलीज में SC ST के लिए. इसके बाद ये भी 333 जो है दिस इज ऑल्सो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. ठीक है, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए अब कोई रिजर्वेशन नहीं है, ना ही लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, ना ही पार्लियामेंट में, 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. हाँ, ये क्लास वीडियो की तरह रहेगी ऑन द चैनल एज वेल. ओके, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट है, आर्टिकल 338 में नेशनल कमीशन होती है शेड्यूल्ड कास्ट के लिए. 338 में, 338A में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए होती है और 338D में होती है अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए. ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस 338B में होती है. इसके अंदर का मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, सिर्फ इतना भी पता है तो सफिशियंट है, अंदर से नहीं आएगा कुछ. ओके, 341 में शेड्यूल्ड कास्ट डिफाइंड है और शेड्यूल्ड कास्ट को कौन कौन बताएगा कि कौन है शेड्यूल्ड कास्ट? प्रेसिडेंट बताएगा कि क्या कौन है शेड्यूल कास्ट और बाय पब्लिक नोटिफिकेशन प्रेसिडेंट बताएगा. ठीक है, और इसके अंडर अगर किसी भी कास्ट को इंक्लूड करना है तो पार्लियामेंट लॉ के थ्रू इंक्लूड कर सकती है एनी अदर कास्ट अंडर अंडर द लिस्ट दैट प्रेसिडेंट हैज प्रोवाइडेड. देन 342 में शेड्यूल ट्राइब्स है, अगेन प्रेसिडेंट विल इन्फॉर्म हु आर द शेड्यूल ट्राइब्स एंड पार्लियामेंट कैन इनलार्ज द लिस्ट लेटर ऑन. सिमिलरली 342A है आपका, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, सेम प्रेसिडेंट लिस्ट देगा और पार्लियामेंट एनलार्ज कर सकता है. ठीक है, पार्ट 17 है हमारा, ऑफिशियल लैंग्वेजेस. ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? 343 में दिया है हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट जो है वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है. ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अ स्टेट क्या होती है 345 में? हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, या जो स्टेट की लैंग्वेज है वो लैंग्वेज हो सकती है. ठीक है, ऑलराइट. अब हम आते हैं फाइनली इमरजेंसी के प्रोविजंस पे. इमरजेंसी का प्रोविजन आर्टिकल हमारे 352 से लेके 360 तक है. ठीक है, कितनी टाइप की इमरजेंसीज होती हैं इंडिया में, क्या क्या नाम है पता है, और कौन कौन से आर्टिकल्स के अंदर होती हैं वो भी पता है तो बताओ. ठीक है, ओके. अब तो क्या नाम है, रणंजय सिंह, वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड. अब तो हम इमरजेंसी पे आ गए, सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास. और मैंने काफी सारे प्रोविजंस ऑलरेडी स्किप करे हैं और बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड पढ़ाया है, जो इम्पोर्टेंट है उनके ऊपर ही मैंने ज्यादा फोकस किया है. ओके, थ्री टाइप्स की होती है, नेशनल, फाइनेंशियल, स्टेट. वेरी गुड, आर्टिकल्स पता है किसी को तो बताओ. तब तक 352 में होती है आपकी नेशनल इमरजेंसी, जहां भी वर्ड यूज्ड है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी दैट इज एक्चुअली नेशनल इमरजेंसी. प्रेसिडेंट लागू करता है कब? अगर ग्रेव इमरजेंसी है इंडिया की सिक्योरिटी को ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन या आर्म्ड रिबेलियन, इसके बेसिस पे अगर सिक्योरिटी वायलेट हो रही है इंडिया की तो प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर करेगा.
इसमें पहले यहाँ पे आर्म रिबेलियन की जगह इंटरनल डिस्टरबेंस टर्म यूज था। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आर्म रिबेलियन आया है, ठीक है। यहाँ पर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी जो है वो तब भी प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकता है अगर उसको लग रहा है, भले ही वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन या आर्म्ड रिबेलियन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि कोई इमिनेंट डेंजर है, तो सिर्फ इमिनेंट डेंजर के ग्राउंड पे भी प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। ओके, राइट नव्या, गुड नव्या, यू नो द राइट आंसर। ओके, और ये जो प्रेसिडेंट यहाँ पे प्रोक्लेमेशन इशू करता है, ये वेरी किया जा सकता है या रिवोक किया जा सकता है बाय सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन विल ओनली बी इशूड ऑन द क्या बोलते हैं, आफ्टर सीकिंग द डिसीजन ऑफ द यूनियन कैबिनेट। यूनियन कैबिनेट का जो डिसीजन होता है उसको ध्यान में रखते हुए प्रोक्लेमेशन इशू किया जाएगा। बेसिकली व्हेन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विल आस्क द प्रेसिडेंट टू इशू अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, ओनली देन द प्रेसिडेंट विल इशू अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। इट विल सीज टू ऑपरेट एट द एक्सपायरेशन ऑफ 1 month। जैसे ही प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी दिया गया है, उसको दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के सामने रखा जाएगा। हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट अगर उसके ऊपर कुछ एक्ट नहीं करते तो 1 महीने के अंदर इट विल सीज टू ऑपरेट, पर अगर हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट उसको अप्रूव कर देते हैं तो इट विल गो ऑन फर्दर फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months, और उसके बाद उसको फिर से अगर वो लोग अप्रूव कर देते हैं तो वो फिर से और 6 महीने के लिए आगे बढ़ सकता है। देयर इज नो टाइम लिमिट, मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी कितने भी टाइम तक के लिए जा सकती है अगर बार बार पार्लियामेंट उसको अप्रूव कर दे तो, ठीक है। पर एक टाइम पे पहले 1 महीने के लिए चलेगी, फिर हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के सामने रख देंगे, वो अप्रूव करते हैं तो 6 महीने, फिर अप्रूव होता जाएगा तो 6 month, 6 month, 6 month, ऐसे आगे बढ़ती जाती है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, आर्टिकल 353 क्या होता है? इफेक्ट ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है तो जो यूनियन है वो स्टेट को डायरेक्शंस दे सकती है एग्जीक्यूटिव पावर एक्सरसाइज करने की, कि इस तरीके से अब स्टेट विल एक्सरसाइज देयर एग्जीक्यूटिव पावर। स्टेट विल एक्सरसाइज एनी पावर अंडर द गाइडेंस ऑफ यूनियन, दैट इज बेसिकली द इफेक्ट ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। देन 356 पे आते हैं अब हम। 356 कहता है कि प्रोविजन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, दिस इज व्हाट, स्टेट इमरजेंसी है 356। अगर प्रेसिडेंट को ऑन द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर या फिर दूसरे एविडेंसेस को देखते हुए लग रहा है कि द स्टेट कैन नॉट रन और कैन नॉट फंक्शन इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, इन दैट सिचुएशन क्या होगा, द प्रेसिडेंट विल पास एन ऑर्डर ऑफ विल प्रोक्लेम एन एमरजेंसी इन द स्टेट। उस सिचुएशन में क्या करेगा, खुद के पास सारी पावर्स ले लेगा जो गवर्नर के पास वेस्ट करती हैं। जो भी पावर्स लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट के पास वेस्ट करती हैं वो सारी पावर्स स्टेट को चली जाएंगी, और बाकी ऐसे कोई भी इंसिडेंटल या कॉन्सिक्वेंशियल प्रोविजन बना सकता है जो कि प्रेसिडेंट को ठीक लगे। बट यहाँ पर प्रेसिडेंट ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं बनाएगा जिससे हाई कोर्ट की पावर हैम्पर हो या हाई कोर्ट की पावर सस्पेंड हो, ठीक है। फिर ये प्रोक्लेमेशन भी रिवोक या वेरी हो सकता है सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन से। ये वाला जो प्रोक्लेमेशन है ये हाउस ऑफ पार्लियामेंट में रखा जाएगा और 2 महीने के अंदर अंदर ये सीज टू एग्जिस्ट हो जाएगा अगर इसके ऊपर कोई एक्ट नहीं किया जाता है। तो एक बार अप्रूव हो गया तो फिर 6 महीने के लिए चलेगा, फिर री अप्रूव हो सकता है, बट इसका मैक्सिमम ड्यूरेशन प्रोवाइडेड है वो है 3 साल। 3 साल से ज्यादा कभी भी स्टेट इमरजेंसी नहीं चलेगी इन एनी सिचुएशन। ओके, इसके बाद लेट्स कम टू 358। हाँ ठीक है, 358, 358 इज सस्पेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 19 ड्यूरिंग इमरजेंसी। एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड है 358 में कि आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाएगा ड्यूरिंग इमरजेंसी, और कौन से सिचुएशन में एग्जिस्ट सस्पेंड होगा, जहां पर क्या है, वॉर है या एक्सटर्नल एग्रेशन के थ्रू प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी हुआ है। 3 grounds होते थे प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी के, क्या होते थे अभी मैंने पढ़ाए थे बताओ, 2 तो ये रहे, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के केसेस में आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाता है। तीसरा कौन सा ग्राउंड है जिसके बेसिस पे अगर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी या नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो रहा है तो आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा, टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ दैट ग्राउंड। ओके,
आर्टिकल 359 है हमारा, सस्पेंशन ऑफ द इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स कंफर्ड बाय पार्ट 3 ड्यूरिंग एमरजेंसीज। बेसिकली ये सस्पेंड करता है आपके आर्टिकल 32 को। आर्टिकल 32 जो है उसका सस्पेंशन होता है आर्टिकल 359 में, ठीक है। क्या सस्पेंड होता है कि राइट आर्म्ड रिबेलियन जो है, आर्म्ड रिबेलियन के ग्राउंड पे अगर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी है तो आर्टिकल 19 का सस्पेंशन नहीं होगा, ठीक है। आर्टिकल 32 का सस्पेंशन होता है आर्टिकल 359 के अंदर कोई भी पार्ट 3 के अंदर फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए कोर्ट्स को मूव नहीं कर सकता है व्हेन देयर इज अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। बट ये कब होता है, जब प्रेसिडेंट ऐसा कोई ऑर्डर पास करे कि अब आर्टिकल 32 इज सस्पेंडेड या द राइट टू मूव एनी कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द राइट्स कन्फर्ड बाय पार्ट 3 इज सस्पेंडेड, एक्सेप्ट आर्टिकल्स 20 एंड 21। आर्टिकल्स 20 और 21 कभी भी सस्पेंड नहीं होंगे, उनके एनफोर्समेंट के लिए यू कैन ऑलवेज मूव सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। और ये जो ऑर्डर प्रेसिडेंट पास करता है इसमें वो टाइम पीरियड भी बताता है कि ड्यूरिंग द होल प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी सस्पेंडेड रहेगा या फिर ओनली फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ओके, नेक्स्ट इज आर्टिकल 360 प्रोविजंस एज टू फाइनेंशियल इमरजेंसी। आज तक कभी भी नहीं लगी है, कभी भी एप्लीकेबल नहीं हुई है इंडिया में। नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लगी है इंडिया में, कोई बताएगा मुझे? हाँ, हैबियस कॉर्पस इज नॉट बैंड। हैबियस कॉर्पस इज नॉट बैंड क्योंकि वो आपके आर्टिकल 21 का पार्ट फॉर्म करता है। आर्टिकल 21 के अंडर आप आर्टिकल हैबियस कॉर्पस की रिट पिटिशन लगाते हो, ठीक है। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 दोनों अलाउड है। ये जस्टिस खन्ना का डाइसेंटिंग ओपिनियन था कौन से जजमेंट में, जिसके बेसिस पे यहाँ पे आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 जो एक्सेप्शन आया है ना, ये आपका ये आया है जो, ये जस्टिस खन्ना का एक डाइसेंटिंग ओपिनियन था एक जजमेंट में, उसके बाद ये अमेंडमेंट करके यहाँ पे लाया गया था, ठीक है। बताओ जजमेंट का नाम। पहले हेबियस कॉर्पस की रिट भी अलाउड नहीं थी, वो भी सस्पेंड हो जाती थी, ठीक है। अब आर्टिकल 20 या 21 के अंडर कोई भी रेमेडी सीक करने के लिए आप आर्टिकल 32 की रिट लगा सकते हो इवन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। हाँ राइट, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। अरे अरे यार, ठीक है। हाँ, प्रोविजंस एज टू फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक एक भी बार नहीं लगी है। आर्टिकल 360 जब प्रेसिडेंट को लगे कि द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया इज थ्रेटन्ड, तो उस सिचुएशन में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। ये फाइनेंशियल इमरजेंसी भी रिवोक हो सकती है, वेरी हो सकती है बाय सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन। इसको भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने रखेंगे और 2 महीने में अगर कोई एक्शन नहीं होता है तो ये भी सीज टू ऑपरेट हो जाएगी। जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है तो कोई भी डायरेक्शंस इशू हो सकते हैं फॉर रेगुलेटिंग इवन द सैलरीज ऑफ जजेस, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, वो सब टाइप के डायरेक्शंस इशू हो सकते हैं, ठीक है। 361 में है कि कोई भी प्रेसिडेंट, गवर्नर या राज प्रमुख जो है वो किसी भी कोर्ट में आंसरेबल नहीं होगा फॉर एनी पावर एक्सरसाइज बाय हिम। ऑल्सो उसके ऊपर कोई भी प्रोसीडिंग, क्रिमिनल प्रोसीडिंग या सिविल प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं की जाएगी while he is holding the office of the president or governor, hopefully, ठीक है। 365 में बताया है कि क्या होता है, कब ये माना जाएगा कि स्टेट कैन नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज व्हेन एनी डायरेक्शंस आर गिवन बाय द यूनियन विच शुड बी फॉलोड बाय द एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट, और वो एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट फेल हो जाता है टू फॉलो द डायरेक्शंस गिवन बाय द यूनियन या उसका कंप्लायंस नहीं कर पाता है, तो उस सिचुएशन में ये माना जाएगा कि द स्टेट हैज फेल्ड टू वर्क इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, दैट इज 365। दिस इज टू बी रेड विथ आर्टिकल 356, ठीक है। फिर से हमारा उल्टा कॉन्स्टिट्यूशन, डेफिनेशंस जो है वो आर्टिकल 366 में दिए हैं, एनफोर्समेंट डेट जो है वो लास्ट आर्टिकल में दिए 393 में, और नहीं 393 में शॉर्ट टाइटल दिया, 394 में एनफोर्समेंट दिया और डेफिनेशंस 366 में दिए। इसमें क्या डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है,
इसमें आप एक प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी की डेफिनेशन देख लो, ये 18 क्लॉज 18 में दिया है, ठीक है, और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की देखनी है तो देख लो, क्लैट के पर्पस से डेफिनेशन नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। फाइनली अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज द लास्ट थिंग फॉर टुडेज क्लास, बस अमेंडमेंट और आर्टिकल 13 पढ़ा के अब क्लास खत्म, ठीक है। तो अमेंडमेंट क्या है, पहले इसका नाम था प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसका नाम चेंज करके पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन कर दिया, ओके। 47 नहीं, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसका नाम चेंज करा था, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या है कि पार्लियामेंट के पास बेसिकली पावर है कि कोई भी प्रोविजन जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो उसको अमेंड कर सकता है। कैसे अमेंड करेगा, अमेंड करेगा बाय इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल फॉर दिस पर्पस, इंट्रोड्यूस होगा एक बिल किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, उसके बाद पास होना चाहिए बाय अ मेजोरिटी ऑफ द टोटल ऑफ दैट हाउस एंड बाय अ मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा, फिर प्रेसिडेंट अपना असेंट देगा और तब वो अमेंडमेंट बिल जो है वो एक्ट बन जाएगा, ठीक है। इसमें अगर आपको अमेंडमेंट करना है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट या गवर्नर से रिलेटेड, ठीक है, यहाँ पे ये जो आर्टिकल्स हैं ये प्रेसिडेंट और गवर्नर से रिलेटेड है, और 279A जो है ये आपकी जीएसटी काउंसिल है, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर कोई, अगर इनसे रिलेटेड कोई अमेंडमेंट आ रहा है, या फिर ये आपका चैप्टर 4 ऑफ पार्ट 5 ये है सुप्रीम कोर्ट, चैप्टर 5 ऑफ पार्ट 6 ये है आपका हाई कोर्ट, फिर चैप्टर 1 ऑफ पार्ट 11 ये है रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, उससे रिलेटेड अमेंडमेंट करना है, या फिर 7th शेड्यूल में कोई लिस्ट है उससे रिलेटेड करना है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट से रिलेटेड करना है, या आर्टिकल 368 में ही कोई अमेंडमेंट करना है, तो उस सिचुएशन में स्टेट लेजिस्लेचर्स का भी 1/2 ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स का भी रेटिफिकेशन चाहिए, उसी सिचुएशन में अमेंडमेंट बिल जो है वो अमेंडमेंट एक्ट बनेगा। किस सिचुएशन में चाहिए स्टेट लेजिस्लेचर्स का रेटिफिकेशन, एटलीस्ट आधी जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं इंडिया की उनको रेटिफाई करना होगा, एक रिजोल्यूशन पास करना होगा अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में, और उसके बाद प्रेसिडेंट का असेंट मिलेगा, तब जाके ये जो अमेंडमेंट है वो बिल, अमेंडमेंट बिल जो है वो अमेंडमेंट एक्ट बनेगा इन 5 सिचुएशंस में। बाकी सिचुएशंस में स्टेट लेजिस्लेचर्स के असेंट की या रेटिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। फिर ये जो था आपका, नथिंग इन दिस आर्टिकल 13 शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट मेड अंडर दिस आर्टिकल, ये भी आपका आया था कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था बताओ, ओके बताओ। ये क्लॉज 3 जो है आर्टिकल 368 का कौन से अमेंडमेंट एक्ट से आया था, कोई बताएगा मुझे। फिर जो क्लॉज 4 और 5 है, नाउ डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय विच केस, टेल मी द नेम ऑफ द केस, कौन से केस से ये क्लॉज 4 और क्लॉज 5 अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हुए, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्लॉज 3 आया, ये आप मुझे बताओ, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे आर्टिकल 13 के ऊपर। आर्टिकल 13 बात करता है, आर्टिकल 13 बात करता है लॉज इनकंसिस्टेंट विथ, थैंक यू गाइस फॉर अप्रिशिएटिंग मी एंड फॉर अप्रिशिएटिंग माय एफर्ट्स, आई विल ट्राई टू कीप अप माय वर्क, ओके। आर्टिकल 13 इज लॉज इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ये लास्ट आर्टिकल है। इसको पढ़ाने से पहले जितने भी लोग अभी लाइव हैं, जिसने भी ये वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, और जिसने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से करो, तब मैं पढ़ाऊंगी फिर आगे का, ये लास्ट आर्टिकल है, अब तो बनता है, ठीक है। ठीक है, तो इसमें क्या है, कोई भी लॉ विच वॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू इफेक्ट, ये कौन से लॉज हो गए, ये हमारे थे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। फिर वैसे कोई भी लॉज जो अब आगे जाके बनेंगे वो है हमारे पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, ठीक है, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, और ये है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। इन दोनों के लिए ये बोलता है कि अगर कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है तो वो लॉ विल सीज टू एग्जिस्ट, ठीक है, टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी इट शैल बी वॉइड, दैट इज क्लॉज 1।
क्लॉज टू बोलता है कि स्टेट कोई ऐसा लॉ ही नहीं बनाएगी विच इज अगेंस्ट और विच अब्रिजेस द राइट्स कंफर्ड बाय पार्ट 3, जो फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन में जाता है, वैसा कोई लॉ ही नहीं बनाएगी स्टेट, दैट इज क्लॉज 2। फिर क्लॉज 3 में बेसिक आपकी डेफिनेशन दी हुई है कि लॉ क्या होता है। लॉ मतलब होता है ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉज, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम, ये सब टैं 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 टैं। फिर लॉज इनफोर्स क्या होते हैं, वो दिए हैं इसके बी में। फिर फोर्थ, ये भी सेम अमेंडमेंट एक्ट से आया है, वेरी गुड यश, 24th अमेंडमेंट एक्ट 1973 से, ये भी उसी से आया था। और आर्टिकल 368 का जो क्लॉज 3 है वो भी 24th अमेंडमेंट एक्ट से ही ऐड करा गया था। ठीक है, इसमें लिखा, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। बोथ द प्रोविजन, सब क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 13 एंड क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 368 से कि जो अमेंडमेंट है दैट इज नॉट लॉ एज पर आर्टिकल 13। इससे रिलेटेड हमारे बहुत सारे केसेस हैं। पहले हम बात करेंगे हमारी 3 डॉक्ट्रिन्स की जो आर्टिकल 13 से रिलेटेड हैं। पहली डॉक्ट्रिन है हमारी डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, ठीक है, ये आई थी आपके AK गोपालन वाले केस से, AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास से आया था। इसमें बोला था कि अगर कोई लॉ ऐसा है जिसका वैलिड प्रोविजन और इनवैलिड प्रोविजन, वो प्रोविजन जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, अगर उन दोनों को सेपरेट किया जा सकता है, तो सिर्फ वो पार्ट लॉ का जो कि फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन है उसको क्या कर दो, उसको वॉइड डिक्लेयर कर दो या उसको सीवियर कर दो ओरिजिनल लॉ में से। ठीक है, दिस वॉज डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। फिर सेकेंड डॉक्ट्रिन हमारी आई थी डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, जो कि आई थी बीकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ MP से। उसमें ये बोला था कि ये एक पूरा लॉ है, इसका एक छोटा प्रोविजन है विच इज इन वायलेशन ऑफ पार्ट 3। ठीक है, तो उस पूरे के पूरे पोर्शन को आपको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको एक्लिप्स कर दो, थोड़े टाइम के लिए उसको सुला दो। मून की जैसे जैसे मून पे एक्लिप्स होता है, उतने पोर्शन पे आप शेडो क्रिएट कर दो। ये क्यों बोला गया, क्योंकि देयर आर सम फंडामेंटल राइट्स विच आर नॉट एप्लीकेबल ऑन नॉन सिटीजन्स। ठीक है, कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिटीजन्स के लिए और नॉन सिटीजन्स के लिए नहीं, नॉन सिटीजन्स के लिए नहीं है। तो वो जो नॉन सिटीजन्स हैं उनके ऊपर ये एक्ट का जो एक्लिप्स प्रोविजन है वो भी अप्लाई हो सकता है। और दूसरी चीज इसलिए बोला गया था कि देर आर सम प्रोविजन विच आर फंडामेंटल राइट्स टूडे, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि वो कल भी फंडामेंटल राइट रहे ही। जैसे कि आपका राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो पहले फंडामेंटल राइट था पर अब नहीं है, तो उस सिचुएशन में भी डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स को एक्सप्लेन किया गया कि हो सकता है समथिंग माइट नॉट बी अ फंडामेंटल राइट टुमारो, सो लेट्स जस्ट एक्लिप्स दैट पोर्शन ऑफ द लॉ एंड एंड कीप इट ओवर देयर ओनली। ओके, फिर आपकी डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर आई थी, थर्ड डॉक्ट्रिन, वो थी बहराम खुर्शीद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे के केस से। इसमें ये बोला था कि किसी भी इंसान के पास फंडामेंटल राइट को वेव करने का राइट नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं मेरी फंडामेंटल राइट एक्सरसाइज नहीं करूंगा। यू हैव योर फंडामेंटल राइट्स एंड यू नीड टू एक्सरसाइज दोस फंडामेंटल राइट्स। इन्हीं सिमिलर ग्राउंड्स पे आपके आर्टिकल 21 से रिलेटेड 3 केसेस थे। एक पी रत्नम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था, जिसमें बोला था कि राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू डाई, पर फिर इसको वापस ओवर रूल करा था ज्ञान कौर वाले केस में, जिसमें बोला था कि नहीं, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर है हमारे यहाँ, हमारे पास राइट टू लाइफ है, हम उसको वेव ऑफ नहीं कर सकते, हम उसको राइट टू डाई की तरह इंटरप्रेट नहीं कर सकते, इसलिए राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई। फिर इसी सीरीज में हमारा तीसरा केस जो था वो आया था हमारा अरुणा शानबाग वाला केस, जिसमें इसका थोड़ा सा लिबरल इंटरप्रिटेशन करके पैसिव यूथेनेशिया को परमिट किया गया था। ठीक है, ओके, फिर इसके बाद अब जो हमारे आर्टिकल 368 और आर्टिकल 13 से रिलेटेड केसेस थे, उसमें पहला था शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें बोला था कि जो अमेंडमेंट होता है वो लॉ नहीं होता है और इसलिए उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, तो अमेंडमेंट करके पार्लियामेंट जो भी लाएगा उसको सही माना जाएगा। ठीक है, दैट वॉज शंकरी प्रसाद वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। सेम चीज बोली थी सज्जन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान में, यहाँ पर 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था उसको चैलेंज करा गया था, और शेड्यूल 9 के अंदर बहुत सारे लॉज आए थे उनको चैलेंज किया गया था। तो सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में उन्होंने कहा कि नहीं, अमेंडमेंट से आया है और शेड्यूल 9 में आया है, तो इसलिए दैट इज वैलिड और इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। ठीक
फिर इसको ही रिव्यू करा था गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में एक 11 जज बेंच ने। तो 11 जज बेंच ने क्या बोला गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में, उन्होंने कहा कि अमेंडमेंट जो है वो लॉ है आर्टिकल 13 के अंडर, और कोई भी अमेंडमेंट जो पार्लियामेंट कर रहा है उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। इसके बाद आया हमारा 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें स्पेसिफिकली बोल दिया कि अमेंडमेंट लॉ नहीं है। उसको चैलेंज किया केशव नंदा भारती के केस में। केशव नंदा भारती में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, बहुत ही सेफ प्ले करा। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट को हम बार बार अगर ये बोलेंगे ना कि अमेंडमेंट लॉ नहीं है, अमेंडमेंट लॉ नहीं है, तो उस सिचुएशन में ये टसल चलता रहेगा पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, अमेंडमेंट जो है वो लॉ नहीं है, अमेंडमेंट जो है वो लॉ नहीं है, ठीक है, पर एक बेसिक स्ट्रक्चर हम लेके आ गए हैं कि ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर अगर आपने कोई भी अमेंडमेंट किया तो उसका जुडिशियल रिव्यू होगा। आप अमेंडमेंट से बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते, और अगर आपने अमेंडमेंट से बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज किया तो उसका जुडिशियल रिव्यू होगा। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो उन्होंने कहा कि जो भी जब मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे उनका जो भी थॉट प्रोसेस था वाइल मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की ये प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के कभी नहीं बदलने चाहिए, दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इफ यू अमेंड दैट पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसका जुडिशियल रिव्यू होगा। ये केशव नंदा भारती वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया ने बोला। इसके बाद ये लोग फिर से एक अमेंडमेंट लेके आए, फिर उन्होंने क्या किया, इन्होंने क्लॉज 4 और क्लॉज 5 ऐड कर दिया आर्टिकल 368 में। इसको मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करा। किसी ने नहीं बताया था ना ये वाला केस मुझे, इस क्लॉज 4 और क्लॉज 5 जो थे आर्टिकल 368 के, उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करा मिनर्वा मिल्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया ने। और उसने कहा साफ साफ कि अमेंडमेंट जो तुम कर रहे हो बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट, दैट विल बी जुडिशियली रिव्यूड ऑल द टाइम। और साथ में ये बोला कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में कोई लड़ाई या कोई कंपटीशन नहीं है, उन दोनों को साथ में पढ़ो, उनका साथ में रीडिंग करो, ठीक है, देर इज नो कॉम्पिटिशन बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, रीड दम एज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। फिर आया वामन राव वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या हुआ था, इसमें जितने भी जजमेंट्स थे पहले जो शेड्यूल 9 में आए थे, या जो भी जजमेंट्स नहीं, जितने भी लॉज थे पहले जो शेड्यूल 9 में आए थे, या फिर जो भी लॉज केशव नंदा भारती वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया से पहले आए थे ड्यू टू वायलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के वायलेशन में अमेंडमेंट के थ्रू जो भी लॉज आए थे, उन सारे लॉज को वामन राव वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में चैलेंज किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम पुराने पुराने सारे लॉज का बैठ के अब रिव्यू करेंगे, इट विल जस्ट बी अ वेस्टेज ऑफ आवर टाइम एंड द टाइम ऑफ द पार्लियामेंट। तो यहाँ पे कट ऑफ डेट सुप्रीम कोर्ट ने बता दी 24th अप्रैल 1973 की, दैट इज द डेट जब केशव नंदा भारती का जजमेंट आया था। और उन्होंने कहा कि इस डेट के बाद से जो केशव नंदा भारती का डॉक्ट्रिन है वो अप्लाई होना शुरू होगा, उसके पहले के जो भी लॉज थे उस पर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, चलो, ओके गाइस, दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। होपफुली यू ऑल अंडरस्टूड वॉट एवर आई टॉट। प्लीज फिर से बोलूंगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बहुत सारा एफर्ट लिया है मैंने, थोड़ा सा आप लोग भी लीजिए। किसी को कोई एंड मोमेंट डाउट्स हैं तो पूछ लो, आई विल टेल यू, अदरवाइज आई विल जस्ट एंड द लाइव नाउ। थैंक यू ऑल जिसने भी मुझे अप्रिशिएट किया, एंड हु एवर वॉज हियर फॉर द एंटायर ड्यूरेशन, हु एवर लिसन टू दिस, थैंक यू गाइज, यू ऑल वर अमेजिंग। All the best for your preparations. Happy learning. Take care. Bye-bye.